वर्तमान वर्तमान राम का खाता की भाषा नहीं था, राम का भी भाषा नहीं था, कोई विचार की विषय नहीं है, क्योंकि भगवान राम तो सर्वजनीन है, सर्वलौकिक है और सर्वजाति। लेकिन राम कथा की प्रासंगिकता क्यों विधान करने योग्य हो रही है, किसी कुछ कारण है। वासुदेव ऋषि ने महाराज से पूछा कि लोग ऐसा बात बताइए, ऐसा वाला शब्द बताइए जिस पर क्या उल्लेख करके मैं लोगों के सामने आज कुछ प्रश्न। और महाराज जी ने भगवान राम का नाम बताया। अमेरिका को विश्व का सबसे सम्मान देश है, वहाँ की क्या दशा हो चुकी है, किस प्रकार आचार विहीनता पैदा हो गई है, तो वहाँ की सरकार ने महसूस किया है कि किस प्रकार से लोगों ने मोरल मोरल कंटेंट कर सकता है, इसकी रामायण को सकता है। अमेरिका के पांच वर्षों में नैतिकता की बढ़ाने के लिए लगन पड़ी जा रही है। हमारे देश में हम देख रहे हैं जयपुर की बड़ी बात है कि पवन कुमारी एक ऐसे व्यक्ति की माँ है जिसके बेटे तीन बेटे तीन बेटे जोड़ी है, चार सौ बेटियाँ उसे परिवार में पैदा हुई हैं, गई गई हैं, लेकिन आप कैसे बस की भूखा से किस प्रकार से भोगे हैं, सास को 15 साल तक कैद कर सकते हैं, ये हमारे को नहीं मालूम नहीं। जब ये बातें सुनते हैं तो लगता है कि हमें कहीं ना कहीं हम खो रहे हैं, अधिक द्रवित हो रहे हैं, दिशा बंद हो रहे हैं। ऐसे में बात याद आती है किसको किधर किधर देखें, किसका स्मरण करें, किसका अनुकरण करें, ताकि समाज में बदलाव हो। प्राणायाम से राम कथा याद आ जाती है। जब जब राजीव जी दीक्षित थे इस बारे में चर्चा की तो राजीव जी ने बड़े हमारे अनुभव को स्वीकार किया और उन्हें इजाजत दी कि राम कथा में जो राजीव दीक्षित जी जो हैं, मैं बताना चाहूँगा आपके सामने जो व्यक्ति बैठा हुआ है, एक वो शख्सियत है जिसे आज 10 वर्ष दूर आई की देश भक्ति के दिल में देश का जज्बा भरा हुआ हो, जिसके भक्ति जिसके हृदय में भय दुख के लिए धरती में धरती हो, व्यक्ति और दुख से दुखी होता हो, दुखी होता हो, ऐसे व्यक्ति की नौकरियाँ परिवार बसाना शादी का करना कुर्बान नहीं रहता। आज भी शिकार में बस हमारे सामने गांधी आज भी गांधी के रूप में प्रतीत होते हैं। आज इंडिया का जवाब आपका त्याग है अपनी कुर्बानी। मैं इस नाते राजीव जी का यहाँ पर स्वागत करता हूँ, इस्तेमाल करता हूँ और मैं अब तक आभारी हूँ एक ऐसे व्यक्ति का पूरे ऐसे कैरियर को दाव बढ़ा रहा है। तो टेनिस पूर्ण होते हैं तो फिर परिवार की बात करते हैं, व्यक्ति की बात करते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं वो समाज सुधारक होते हैं, समाज नियामक होते हैं, उनके लिए परिवार होता है, शिक्षा में नहीं होगा उनके लिए आप ठीक है। राजीव जी दुनिया मौजूद हैं तो मैं बोलने की स्थिति में नहीं हूँ, क्योंकि सक्सेस से बच्चा करना चाहता है। अब मैं तो मेरा खाली मकसद इतना सा ही था जो सक्सेस से मैं आपका सबसे कहूँ और सक्सेस जो बोलती है उसको करना है। तब क्या होता है जब व्यक्ति मनसा पाता है करना मन वचन कर्म से ये जो रूप है उस बात का ज्ञान हो जाता है। और बहुत से लोग एग्जाम देते हैं सोचते हैं आज एक्शन एग्जाम होगी, छोटे पढ़ना भी देते हैं सब माँ बाप होते भी होते हैं कि पता हो जाएगा क्यों क्या रहा है उसमें बदलाव बहुत लगे जो हम कहते हैं उसको अंगीकार करें तो बात कहते हैं। राजीव जी जो कहते हैं वो करते हैं मन से पता से कर्म से जीते हैं, इनकी बात मैं सुनता हूँ हमें बदलाव है। और मैं अपने अच्छी मन के लिए अगर अपने मान के देता हूँ मैं राजेश शर्मा साहब को जिन्होंने कार्यक्रम का आयोजन किया है और जिनकी पुराता से या दुनिया संपर्क कर पा रहे हमने आमंत्रण भेजा शर्मा साहब को अगला कार्यक्रम को प्रारंभ करें। राजेश शर्मा महानुभाव का नगर आश्रम सेवा समिति की ओर से मैं आज एक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट श्री हरचंद्र जी महाराज से। अभी कोई 3-4 दिन पहले वार्ता हुई, आपने प्रसंग दिया आज के आधुनिक परिप्रेक्ष्य में जो इस समाज में व्याप्त होता जा रहा है, हम राम कथा का प्रासंगिक चर्चा करें। श्रद्धेय श्री चौबे जी महाराज जो इस आश्रम के संस्थापक हैं, उन्होंने उदारता के साथ आपसे निवेदन किया कि कार्यक्रम याद किया जाए। इस
कार्यक्रम के शुभारंभ में मैं समिति के उपाध्यक्ष श्री सारा चंद्र शरीरधर करता हूँ वे आए और राजीव जी का माल्यार्पण में स्वागत करें श्री तारा चंद्र जी। समिति के उपाध्यक्ष श्री नंद किशोर तिवारी आए और माल्यार्पण में स्वागत करें। संस्थापक सदस्य श्री कल्याण जी चौधरी श्री राधापाल जी खंडेलवाल श्री बांसूलाल जी संस्थापक सदस्य श्री ओम जी जोशी श्री जगदीश जी नायला वाले श्री महेश जी माचीवाल श्री रमेश जी कसेरा अब मैं हरिशंकर जी महाराज से निवेदन करूंगा कि वे मंदिर परिसर की ओर से श्री राजीव जी का स्वागत करें और आपको श्रीफल भेंट करेंगे, दुपट्टा बनाएंगे और उचित भेंट करेंगे। जितने भी परिवारों में हम सब एक दूसरे के साथ मिलकर जाते हैं, कोई भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिसमें कभी ये गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लेकिन रचित श्री राम कथा को नहीं सुना हो ना पढ़ा हो। बहुत परिवार इस देश में ऐसे हैं जो करोड़ों की संख्या में है कि नियमित रूप से श्री राम कथा का पारायण मेरे घर में मैंने बचपन से श्री राम कथा को मेरे घर में सुना। मेरी एक दादी माँ हुआ करती थी वो नियमित रूप से सुबह स्नान आदि करके राम कथा का पाठ करके ही अपना जीवन रोज का शुरू करते थे। तो गोस्वामी तुलसीदास द्वारा जो रचित राम कथा है वो मैंने बार बार सुनने हमारे घर में साल में एक बार ऐसा प्रसंग आता है कि पूरी रामचरितमानस का पाठ अखंड रूप से होता है। वो आप में से बहुत सारे परिवारों में होता होगा। ये कहने का अर्थ यह है कि मैंने बचपन में श्री राम कथा को अपने कानों से बार बार सुना है। बाद में मुझे थोड़ी सी जिज्ञासा हुई मेरे विद्यार्थी जीवन में श्री राम जी की कथा को पढ़ने के लिए, तो श्री गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित जो राम कथा है वो मैंने पढ़ी की बात में सुनी पहले पढ़ी बात में। बाद में मैंने श्री महात्मा गांधी को पढ़ा और उनसे मैं बहुत प्रभावित हुआ। उन्होंने अपने जीवन में सबसे ज्यादा अगर किसी को महत्व दिया तो श्री राम को। वो कहते हैं कि मेरे जीवन का जो सबसे बड़ा लक्ष्य है वो श्री राम की प्राप्ति है, उसमें आजादी आ जाए और भारत स्वतंत्र हो जाए ये सेकेंडरी है। प्राथमिक दृष्टि उनकी है कि वो मोक्ष जाना चाहते हैं और श्री राम से जुड़ना चाहते हैं। तो उनके अपने जीवन में बार बार वो उद्धरण देते हैं श्री राम के बारे में। और महात्मा गांधी भारत के पहले ऐसे राजनीतिक व्यक्ति हैं
जिन्होंने श्री राम के राज्य के बारे में एक नीति की बात कही है, राम राज्य। कई जगह उन्होंने लिखा है कि भारत में आजादी के बाद अगर कुछ होना चाहिए तो राम राज्य होना चाहिए। अंग्रेजों ने बार बार उनसे पूछा है कि आप भारत की आजादी क्यों लेना चाहते हैं, तो कहते हैं राम राज्य स्थापित करना है। ये राम राज्य क्या है, ये बहुत बार मेरे मन में आता है। गांधी जी के बहुत सारे पत्रों को पढ़कर, उनकी पुस्तकों को पढ़कर, उनके भाषणों को सुनकर वो बहुत बार इसका जिक्र करते हैं कि भारत में राम राज्य होना चाहिए, राम राज्य होना चाहिए। मेरी जैसे जैसे समझ बढ़ी तो उनके मन में ये प्रश्न आ गया कि ये राम राज्य कैसा होना चाहिए, किस राम राज्य की बात गांधी जी कहते हैं, और राम का राज्य कैसा था जिसके बारे में वो बार बार कहते हैं, राम का जीवन कैसा है जिसके आदर्श की कल्पना वो बार बार करते हैं। सो मन में थोड़ी सी जिज्ञासा हुई और कुछ जानने की और कुछ पढ़ने की। मुझे एक बार वाराणसी में बहुत बड़े विद्वान हैं, पंडित हैं, उन्होंने बोल दिया कि देखो तुमने अभी तक श्री गोस्वामी तुलसीदास की ही रामचरितमानस पढ़ी है, वाल्मीकि की रामायण भी पढ़ो, तो रामराज जी की बात जो है वो तुमको और अच्छे से समझना है। तो अभी वाल्मीकि रामायण को संस्कृत में है तो थोड़ा मैंने संस्कृत सीखा, ज्यादा नहीं है थोड़ा सीखा, उसको समझने के लिए थोड़ा कुछ उसमें से समझ में आया। बाद में मेरे गुरु हैं जो श्री धर्मपाल जी, बहुत बड़े इतिहासकार, उनसे एक बार चर्चा होने लगी कि ये रामराज जी क्या है, तो उन्होंने कहा कि अगर इसको और अच्छे से समझना हो तो दक्षिण भारत में श्री राम जी की जो कहानियां हैं, कथाएं हैं, उनको पढ़ो। तो मैंने ढूंढना शुरू किया तो दक्षिण भारत में श्री राम कथा पर सबसे प्रामाणिक पुस्तक है कंपन रामायण। जैसे इधर वाल्मीकि रामायण है वैसे दक्षिण में कंपन रामायण है जो तमिल में लिखी गई है। अब मुझे तमिल नहीं आती है तो मैंने बहुत दिन ढूंढा तो कंपन रामायण का अंग्रेजी संस्करण मुझे मिल गया। वो बहुत पूरा नहीं है, अधूरा सा है, लेकिन फिर भी समझने में मदद करता है, वो मैंने पढ़ लिया। फिर अलग अलग समय पर भगवान राम की कथा में, श्री राम जी की कथा में अलग अलग लोगों ने जो अपनी दृष्टि से देखने की कोशिश की है, उनमें से बहुत महान व्यक्ति हुए हैं जो किसी भी मामले में गोस्वामी तुलसीदास जी से कम नहीं है, श्री कालिदास। कालिदास ने श्री राम कथा के ऊपर एक पुस्तक लिखी है रघुवंशम, जो मुझे सबसे प्रिय लगती है। श्री राम कथा पर जितनी भी पुस्तकें भारत में उपलब्ध हैं उनमें कालिदास की लिखित और रचित रघुवंशम मुझे सबसे ज्यादा अपील करती है। कारण क्या है उसका, कारण उसका यह है कि श्री कालिदास ने राम जी की कथा को बहुत विस्तार के साथ उसमें लिखा, इतना अधिक विस्तार मुझे रामचरित मानस में नहीं लिखा जितना रघुवंशम में दिखाई देता। रघुवंशम जो श्री कालिदास की रचित पुस्तक है उसमें ऐसी क्या विशेषता है वो थोड़ी देर के बाद मेरे व्याख्यान में आपको समझ में आएगी। वो बहुत विस्तार है, संवाद उसके बहुत, श्री राम जी लक्ष्मण जी के साथ जो संवाद कर रहे हैं, सीता जी के साथ उनके जो संवाद कर रहे हैं, अपने पिता श्री दशरथ के साथ उनके जो संवाद हैं, अपने जो पड़ोसी हैं जिनके साथ उनके संवाद हैं, अपने जो सहयोगी हैं उनके साथ जो संवाद है, बहुत विस्तार में है। और वो संवाद पढ़ने से श्री राम जी के बारे में और ज्यादा समझ पड़ती है और उनके राज्य के बारे में बहुत कुछ पता चलता है जिसको हम राम राज्य की बात करते हैं। तो ये भूमिका के रूप में मैं आपसे सिर्फ इतना कहकर शुरू करना चाहता हूँ कि अभी जो मैं आपसे कहूंगा वो सिर्फ गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखित रामचरित मानस ही नहीं होता, इसका उसका थोड़ा सा थोड़ा सा आधार उसका कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम भी होगा और बहुत बड़ा आधार उसका समय भाषा में लिखी गई रामचंद्र जी की कथा कंपन रामायण की होगा। इससे मैं शायद बहुत बेहतर स्थिति में आपसे
कुछ कह पाऊंगा और आपको भी शायद इसको सुनकर कुछ अच्छा लगेगा। अच्छा इस दृष्टि से लगेगा कि एक ही तरह की बात हम पढ़ते और सुनते, उसमें से जो खोजने की एक प्रक्रिया होती है, विभिन्न तरह के अलग अलग विचारों के लोगों द्वारा वही बात जब रची और कही जाती है, उसमें से जो खोजने की प्रक्रिया होती है वो थोड़ी सी अलग हो जाती है। उसमें से तथ्य जो है बहुत साथ ज्यादा दिखाई देने लगता है, मेरी अपनी मान्यता है, और हम उससे समझ थोड़ी बेहतर बना पाते हैं। आज जो मैं श्री राम जी की कथा के बारे में आपसे कहूँगा वो भारत की वर्तमान परिस्थिति को ध्यान में रखकर कहूँगा। मैं महात्मा गांधी की इस बात से संपूर्ण रूप से सहमत हूँ कि भारत में रामराज्य होना चाहिए, लेकिन रामराज्य होना चाहिए वो तो ठीक है, हमारी सद्भावना है, सदिच्छा है, वो होगा कैसा? अगर हम मान लें कि भारत में रामराज्य होगा तो रामराज्य का बजट कैसा होगा, रामराज्य का डिफेंस एक्सपेंडिचर कैसा होगा, रामराज्य का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होगा, रामराज्य की न्याय पद्धति कैसी होगी, रामराज्य की शिक्षा पद्धति कैसी होगी, रामराज्य की समाज व्यवस्था कैसी होगी, रामराज्य में परिवार व्यवस्था कैसी होगी, रामराज्य में परिवार के सदस्यों के संबंध कैसे होंगे, संस्कृति और परंपरा के बाधक हम कैसे बनेंगे, इन सब बातों को ध्यान में रखकर मैं बात करूंगा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये जो हिस्सा है श्री राम जी की कथा का, ये हमारे लिए आज की परिस्थिति में ज्यादा प्रासंगिक है। मैं श्री राम कथा को, राम कथा के तत्वों को जो समझ पा रहा हूँ, उसमें से कुछ थोड़ा ही हिस्सा आपके सामने रखूंगा, पूरा नहीं रखूंगा। कारण उसका यह है कि पूरा रखने के लिए समय बहुत चाहिए और आज का कार्यक्रम लगभग 2 घंटे में आपको पूरा करना है। कभी दोबारा मौका मिला तो और विस्तार से बात करूंगा। इस पूरे रामकथा को, श्री राम जी की कथा को मैंने अपनी सुविधा से 5 हिस्सों में बांट लिया है। उसमें से एक हिस्से की थोड़ी सी चर्चा करूंगा, वो भी पूरी नहीं कर पाऊंगा। 5 हिस्से क्या है? एक तो श्री राम जी का जो जन्म है, उनका जन्म समय और जन्म से थोड़ा पहले का समय, वो एक हिस्सा। दूसरा हिस्सा, उनका जन्म होने के बाद उनके परिवार में उनका जो पालन पोषण है और उनको जो संस्कार देने का काम किया जा रहा है, वो हिस्सा। तीसरा, घर के संस्कारों से पूर्ण होकर जब वो गुरुकुल में जाते हैं शिक्षा लेने के लिए, वो हिस्सा। गुरुकुल से लौट कर जब आते हैं और उसके बाद श्री विश्वामित्र के द्वारा उनको वनों में ले जाने का जो अभिक्रम है, अभियान है, वो हिस्सा। फिर बाद में हमारा उनका जो राज्याभिषेक है और राज्याभिषेक के तुरंत बाद उनके वन गमन का हिस्सा, और उसके बाद फिर रावण है, रावण के साथ उनका संग्राम है, संघर्ष है, और वहां से वापस अयोध्या में आने का वो हिस्सा। मैं अभी आज जो आपसे ज्यादा बात करूंगा वो उनका राज्याभिषेक होते होते जो वन गमन हुआ है, उस हिस्से में थोड़ी बात करूंगा। कभी दोबारा मौका मिला तो पहले के हिस्से में थोड़ी बात करूंगा। क्यों करूंगा? क्योंकि मुझे श्री राम जी की कथा में सबसे ज्यादा प्रेरणादायक अगर कोई है तो वो हिस्सा दिखाई देता है। मुझे उससे बहुत प्रेरणा मिली है। कारण क्या है कि शायद श्री राम जी के जीवन का वही एक हिस्सा है जो उनको मर्यादा पुरुषोत्तम बनाता है। जब वो राजपाट छोड़कर, सब कुछ छोड़कर वन चले जाते हैं और 14 वर्ष का उनका जो वनवास का समय है, वही समय उनको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम बनाता है, मेरी अपनी मान्यता। उसके पहले का जो समय है वो तो राजकुमार राम का समय है। एक बड़े राजा के बेटे हैं और वो बड़ा राजा इतना बड़ा है कि जिसका साम्राज्य है, पूरा सिर्फ राज्य नहीं है, साम्राज्य है, बहुत बड़े इलाके में फैला हुआ है। तो ऐसे बड़े राजा श्री दशरथ के बेटे राम जो राजकुमार की तरह से महल में रहते हैं, वो हिस्सा अभी आज के मैं संवाद में नहीं लाऊंगा। कारण तो हम सबको मालूम है, बहुत छोटी सी है, विस्तार उसका बहुत बड़ा है।
श्रीमान दशरथ के सात बेटे हैं, रानियां हैं, राम है, लक्ष्मण है, भरत है, शत्रुघ्न है, तीनों रानियां कौशल्या, सुमित्रा, इन सभी का अपना जो एक तरह का जीवन है जो बहन से संबंधित है, उस पर सभी द्वारा बहन से बाहर का जो जीवन है श्री राम का वो आज, क्योंकि उसमें हमें श्री राम के वो दर्शन होते हैं जो भारत की आज की समस्याओं को समाधान करने में मदद करते हैं। हमारे भारत में बहुत सारे महान लोग हुए हैं जो हमारे इतिहास पुरुष हैं, श्री राम को मैं उन्हीं में मानता हूँ। भारत का इतिहास अगर देखा जाए हमारी नजरिए से, हमारी दृष्टि से, तो श्री राम उसमें सबसे ऊंचे स्थान पर है। शायद भारत का इतिहास अगर मैं कहूँ तो श्री राम की कथा भी है। आज जो इतिहास हमारे देश में लिखा जाता है वो हमारे दृष्टि से नहीं लिखा गया, वो कुछ अंग्रेजों के लिखे गए इतिहास की नकल है, तो उसमें श्री राम जी की बात करना या कृष्ण की बात करना ये वर्जित सा माना गया। शायद ये हमारा दुर्भाग्य है या लंबे समय तक गुलाम रहे हैं उसका दुष्परिणाम है कि हम हमारे सबसे बड़े इतिहास पुरुष की चर्चा हमारे पाठ्यक्रमों में नहीं कर सकते हैं। अगर करते हैं तो तकलीफ शुरू हो जाती है, इस देश में कई तरह के विवाद शुरू हो जाते हैं, वो आप सब जानते हैं। लेकिन मैं मानता हूं कि भारत का इतिहास श्री राम जी के साथ जुड़ा है और वर्तमान अगर ठीक करना है तो उस इतिहास की पूरी समझ हो तो मैं मानता हूँ शायद हम कर पाए। भविष्य कैसा होगा, वर्तमान और भूत ठीक से समझ में आए तो भविष्य अच्छा हो सकता है। इस तरीके से भगवान राम की या श्री राम जी की जो कथा में ये वाला अध्याय है कि जब उनको वन गमन करना है, 14 वर्ष का वनवास उनको दिया गया है, उससे ठीक पहले की एक घटना कहकर अपना शुरू करता हूँ। घटना तो हम सभी जानते हैं, सिर्फ आपके ध्यान में लाने के लिए उम्मीद करता हूँ। हमारे जो दशरथ हैं, जो श्री राम के पिता हैं, उनकी 3 रानियां हैं, उनमें से केकई के बारे में श्री दशरथ कहते हैं कि वो केकई से बहुत बंधे हुए हैं। ये बंधा हुआ शब्द है ये कंपन रामायण में, शायद तुलसी ग्रंथ रामायण में हमको ये नहीं मिलेगा, कंपन रामायण में ये है और थोड़ा इसका जिक्र वाल्मीकि में है, लेकिन विस्तार से ये कंपन में बहुत विस्तार से है। और उस विस्तार में जाए तो कहानी ये है कि श्रीमती केकई श्री दशरथ को बहुत प्रिय है और उनके प्रिय होने का कारण है वाक् चतुर है, सुंदरता में बहुत ऊंची है, उनके कुछ गुण हैं जो दशरथ को बहुत लुभाते हैं और दशरथ उनके साथ एक वचनबद्ध हो जाते हैं और वो वचनबद्धता है श्रीमती केकई के पिता के सामने और उनकी माता के सामने। एक छोटा सा राज्य है केकई, केकई राज्य के जो मालिक हैं उनकी सुपुत्री है श्रीमती केकई, और श्री दशरथ जब उनसे विवाह संस्कार में बनते हैं तो एक शर्त के साथ बनते हैं। वो शर्त जानना बहुत महत्वपूर्ण है। शर्त ये है कि केकई के पिता श्री शर्त रखते हैं दशरथ के सामने कि अगर मेरी सुपुत्री के साथ विवाह करना है तो आपको वचन देना पड़ेगा कि इससे जो पुत्र पैदा होगा वही राजपाट का मालिक बनेगा। दशरथ वचनबद्ध हो जाते हैं और इसी को कंबन ने, जो बड़े तमिल कवि हैं जैसे तुलसीदास जी हैं, ये दिया है कि दशरथ केकई से बन जाता है, एक संकल्प के साथ बन जाते हैं कि भविष्य में अगर केकई से पुत्र प्राप्ति होती है तो वही राजा का मालिक है। इसमें समझने की बात यह है कि केकई राजा जिसने दशरथ से ये वचन लिया वो दशरथ का गुलाम है, लेकिन बचन लेता है। गुलाम होने से मतलब वो पराजित हुआ है और उसके राज्य पर श्री दशरथ का कब्जा हुआ है और वो पराजित होने के बाद दशरथ से बचन लेता है। अब इसमें समझने की बात यह है कि हमारे सामान्य रूप से नियम सिद्धांत ऐसे हैं दुनिया में, खासकर भारत में, कि आपने किसी राज्य पर विजय प्राप्त किया तो उस राज्य की हर चीज पर आपकी विजय हो गई।
उस राज्य के हाथी घोड़े गधे मनुष्य व्यापार तकनीकी विज्ञान अर्थशास्त्र वहां के बड़े बड़े सामरिक हथियार वो सब आपके हो गए। लेकिन केके कहता है दशरथ को, ये संवाद के रूप में है चौकल ब्राह्मण में, बहुत इंटरेस्टिंग है। वो कहता है देखिए मेरा राज्य आपके पराधीन हो चुका है, मैं स्वयं आपके पराधीन हो चुका हूँ, मेरा सब कुछ आपका है, लेकिन मेरी बेटी ने आपकी पराधीनता स्वीकार नहीं की है। माने केकई ने आपकी पराधीनता स्वीकार नहीं की है तो उसकी इच्छा बिना जाने मैं आपको कोई वचन नहीं दे सकता। फिर कंबल प्रमाण में दशरथ और केकई का संवाद है, तो दशरथ जी उनको कहते हैं कि ठीक है आपको अगर कोई आपत्ति है तो बता दीजिए। तो केकई अपनी आपत्ति दर्ज करती है कि मैं आपकी पराजय स्वीकार करने को तैयार हूँ, आपसे आपके अनुबंधित होने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी शर्त वही है कि मेरे से अगर पुत्र प्राप्ति होती है तो राज्य का रघुवंश जिस कुल में श्री दशरथ है वहां की परंपरा यह है कि बड़ा बेटा राज्य का मालिक होता है, पुत्र जो सबसे बड़ा है, पिता की मृत्यु के बाद राज्य संभालने का अधिकारी बने, रघुवंश की यह परंपरा है। शायद ये रघुवंश की ही नहीं भारत के सभी कुलों की परंपरा रही हो, आज भी दिखाई देती है इस लिस्ट में, पहले भी रही हो। तो ये परंपरा हमारे भारतीयता में बहुत सारी परंपराएं हैं, जिसमें से ये एक है कि जो सबसे बड़ा बेटा है वही राज्य का मालिक है। तो लेकिन सबसे बड़ा बेटा तो सबसे बड़ी रानी से होगा, तो दशरथ की सबसे बड़ी रानी तो कौशल्या है, तो कौशल्या से पैदा होने वाला सुपुत्र राज्य का स्वाभाविक उत्तराधिकारी होगा, ये रघुवंश की परंपरा है। लेकिन दशरथ रघुवंश की परंपरा के विरुद्ध जाकर, रघुकुल की परंपरा के विरुद्ध जाकर एक वचन ले देते हैं कि ठीक है अगर केकई से पुत्र की प्राप्ति होती है तो राज्य का मालिक होगा। उस समय शायद दशरथ अपने कुल की मर्यादा का भंग कर दे, ऐसा हम चाहे तो इसको कह सकते हैं, क्योंकि रघुकुल बहुत बड़ा कुल है, बहुत पुराना कुल है, हजारों वर्षों का कुल है, उसमें पहले ऐसा कभी हुआ नहीं है। लेकिन केकई के साथ दशरथ का जो संवाद है वहां ये हो गया है, और राज्य केके का है वहां दशरथ गए हैं, पराजित किया है, फिर भी उनकी इस शर्त को उन्होंने मान लिया है। तो इसको कंप रामायण में इस तरह से लिखा गया है कि शायद दशरथ केकई से बंध गए हैं, और इतना बंध गए हैं कि अपने कुल की परंपरा के विरुद्ध जाकर वचन करते हैं कि मैं ठीक है आपके इस बात से सहमत हूं कि आपका पुत्र ही राज्य का मालिक हो। ये एक घटना है। इस घटना के बाद केकई और श्री दशरथ का विवाह होता है, उसके बाद केकई रघुकुल परिवार की पुत्रवधू या बहू बनकर आती है। उसके बाद का जो समय है वो विस्तार से अगर हम देखें तो कुछ इस तरह का है कि जिस रानी को राजा ने वचन दे दिया दशरथ ने केकई को, उस रानी का अपने रघुकुल में सबसे ऊंचा स्थान अनायास हो जाता है, कौशल्या सुमित्रा का स्थान थोड़ा नीचे आ जाता है। और दशरथ के वो समय का जब वर्णन हम पढ़ते हैं तो पता चलता है कि उनकी आसक्ति केकई के प्रति सबसे ज्यादा है, कौशल्या के प्रति सबसे कम है। कौशल्या सबसे ज्यादा उपेक्षित है, दूसरे पर सुमित्रा उपेक्षित है, केकई के प्रति सबसे ज्यादा लगाव है दशरथ का। तो इसको कंपन कहते हैं कि ये रघुकुल की परंपरा की मर्यादा को दूसरी बार भंग किया है राज, एक बार तो वचन दे दिया कुल की परंपरा के विरुद्ध, दूसरी बार अपनी वरिष्ठ रानियों के होते हुए उन्होंने एक कनिष्ठ रानी से ज्यादा लगाव शुरू किया। उनका कुल ये कहता है कि वैसे तो एक पत्नी व्रत ज्यादा अच्छा है, रघुकुल की परंपरा है एक पत्नी व्रत की, एक पत्नी होना, राम ने उसको निभाया, दशरथ उसको नहीं निभा पाए, उसके कुछ तकनीकी कारण है और कुछ भावनात्मक कारण, दोनों ही कारण है, कंप रामायण में उनका विस्तार से चित्र है। तो कंप रामायण में कंप ऋषि
दशरथ के बारे में कहते हैं कि एक बार मर्यादा भंग किया वचन देने में, दूसरी बार भंग किया अपनी जो वरिष्ठ राजा है उनके स्थान पर केकई को स्थापित करने में, तीसरा क्या होता है जब केकई की स्थापना कौशल्या के ऊपर हो जाती है परिवार की चार दीवारी के अंदर, तो राज्य सत्ता भी धीरे धीरे उनके हाथ में आ जाए और ज्यादातर फैसले केकई के द्वारा लिए जाते हैं। कहानी ये है राम कथा की कि केकई के परिवार के लोग पराजित होने के बाद दशरथ के महल में आकर ही रहने लगे। केकई का एक भाई है वो वही रहता है, मंथरा का किस्सा आप सभी जानते हैं, केकई की दासी है वो भी वही रहती है, और समय समय पर केकई के और भाई भतीजे आते रहते हैं जाते रहते हैं, और कंप रामायण में बहुत विस्तार से ये कहा गया है कि केकई के पास अपनी सेना हुई जो उसकी प्राइवेट आर्मी निजी सेना है। शायद तुलसीगढ़ रामायण में आपको नहीं मिलेगा, कंप में ही है, कन्नड़ में भी जो रामायण लिखी गई है उसमें भी ये कहानी है, तमिल में भी है, तेलुगु में भी है, मलयालम में भी है, कन्नड़ में भी है, और ये चारों में जब मैंने देखा तो मान लिया कि शायद इसमें कुछ तथ्य हो, बाद में समझ में आया कि कुछ तथ्य है। केकई की अपनी आर्मी है और उसकी अपनी सत्ता भी है, और जो समानांतर है दशरथ की, और वो राज्य सूत्र का संचालन भी कर रहे हैं। दशरथ धीरे धीरे बूढ़े हो रहे हैं और राज्य का सूत्र संचालन धीरे धीरे केकई के हाथ में आ रहा है। फिर ऐसी परिस्थिति में भगवान राम के बलों को समझना बहुत आसान है। बात यह है कि दशरथ के मन की इच्छा है कि राम राजा बने, क्योंकि उनको राम से बहुत प्रेम है, कौशल्या से होता है, ये बहुत विडम्बना स्थिति है, कॉन्ट्रडिक्शन। कौशल्या उनको इतनी पसंद नहीं है लेकिन राम उनको बहुत पसंद है। राम पसंद है दशरथ को, उसका कारण वो बताते हैं कि इसमें ऐसे गुण हैं जो किसी राजा में होने चाहिए। एक बार दशरथ का उनके महामंत्री के साथ संवाद होता है तो उनका महामंत्री पूछता है आदर्श राजा कैसा होना चाहिए, तो दशरथ उसके 18 गुणों का वर्णन करते हैं कि ये गुण अगर किसी में है तो राजा होने के लायक है, आदर्श राजा होने के लायक है। वो क्या है? सबसे बड़ा गुण है कि वो ईश्वर को मान्यता देने वाला होना चाहिए। सबसे पहले भगवान में जिसका आस्था विश्वास होना चाहिए, अर्थात दूसरे शब्दों में कहें तो नास्तिक नहीं होना चाहिए, माने आदर्श राजा की पहली उनकी वो परख कि वो नास्तिक नहीं होना चाहिए। दूसरी, वो कभी भी अपने राज्य को अपने से ऊपर नहीं माने, ऐसा होना चाहिए, माने व्यक्ति से बड़ा राज्य, राज्य से बड़ा देश, इस तरह की मान्यता होना चाहिए, वो राज्य से बड़ा ना हो जाए और देश से बड़ा ना हो जाए। तीसरा, कभी भी व्यसन ना करे किसी भी तरह का, वो शराब का हो, मांसाहार हो, सिगरेट हो, कुछ भी किसी भी तरह का व्यसन ना हो। चौथा, अपने ऊपर स्वाभिमान बहुत हो लेकिन आत्माभिमान ना हो। स्वाभिमान होना बहुत आवश्यक है, आत्माभिमान ना हो, माने घमंडी ना हो लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस से भरा हुआ हो। फिर उसका एक गुण कि वो बहुत वीर हो, गंभीर से गंभीर संकट में घबराए हो। फिर उसकी लोकप्रियता इतनी अधिक हो कि राज्य के सभी लोग रोज अपनी प्रार्थना में उसके लिए प्रार्थना करते, राजा के लिए, राजा सफल हो, राजा दीर्घायु हो, राजा हमारा समस्या का समाधान करने लायक बने, इस तरह की प्रार्थना हर दिन सामान्य लोग अपने राजा के लिए करें, ऐसा राजा हो। फिर उसके पास नीर क्षीर विवेक हो, सही और गलत को पहचानने की ताकत हो, दुष्टों को दंड दे सके और अच्छे लोगों को समाज में सम्मान के साथ स्थापित कर सके, ऐसा हो, न्याय प्रिय हो, ऐसे ऐसे उन्होंने 18 गुण बताए। तो महामंत्री जब दशरथ को कहते हैं तो दशरथ कहते हैं देखो मेरा ये जो लड़का राम है इसमें ये सभी गुण मुझे दिखाई देते हैं, और ये गुण की पहचान उनको भगवान राम के 14-15 साल के जीवन में ही हो गई।
कोई एक महामंडल के साथ बिना दूध के पाव पाए हुए दिखाई दे जाते हैं, तो शायद श्री राम का बचपन से जो वो देख रहे हैं पाव होना, उसमें उनको दिखता है कि इसमें ये सारे गुण हैं। और वो कहते हैं, दशरथ कहते हैं कि मैं मेरे चारों बेटों को जब बड़ा होता हुआ देखा तो पिता के मेरे राज्य का सबसे अच्छा सफल उत्तराधिकारी होगा, ऐसा मेरा विश्वास है, क्योंकि इसमें ये सारे के सारे गुण है। एक जगह तो वो अपने महामंत्री से यहां तक कहते हैं कि मेरे अंदर बहुत सारे जो दुर्गुण है वो इसमें है, मेरे अंदर बहुत सारे जो दुर्गुण है वो इसमें नहीं है। और कंबन रामायण में श्री दशरथ ने अपने दुर्गुणों के बारे में ईमानदारी से कहा है। एक उन्होंने कहा है कि मैं थोड़ा प्रमादी हूं, ये भी कहा है कि थोड़ा आलसी भी हूं, और ये भी कहा है कि थोड़ा ज्यादा भावनात्मक हूं। व्यवस्था में भावनात्मक होना बहुत अच्छा नहीं होता, फिर भी हूं। तो ऐसे ऐसे बहुत सारी बातें वो बताते हैं, और वो कहते हैं कि ये जो राम है मेरा सबसे बड़ा पुत्र, ये इन दुर्गुणों से मुक्त है, और एक आदर्श राजा में जितने गुण होने चाहिए वो सब इसमें है, इसलिए मेरी इच्छा तो है कि मैं इसको मेरे स्थान पर अयोध्या का राजा बनाऊं। ये तो है एक बात। दूसरी तरफ केकई को दिया हुआ वचन है, और राजा केकेयों को दिया हुआ वचन है, भले वो पराजित राजा है लेकिन उसको दिया हुआ वचन है। अब दशरथ जी क्या करते हैं, वो ये कहते हैं कि मैंने वो वचन दिया है, ये एक तरफ है, लेकिन मेरा हृदय कहता है कि राम सबसे आदर्श होगा, ये एक तरफ है। तो ये द्वंद उनके मन में बहुत दिन चलता है, लगभग कंबन रामायण में इसका समय भी है, 4 साल तक दशरथ इसी द्वंद से परेशान है। केकई को क्या वचन, भरत राजा बने क्योंकि वो केकई का पुत्र है, अपने हृदय की बात तो राम राजा बने क्योंकि उसमें वो सारे गुण है जो एक आदर्श राजा में होने चाहिए। 4 साल तक वो इससे परेशान होते हैं, और उनकी सारी परेशानी और पूरी मनोदशा कंबन रामायण में विस्तार से है, कितने खींचते हैं, कितना गुस्सा करते हैं, और कितना राज्य के अधिकारियों के ऊपर बिना किसी कारण बरस पड़ते हैं क्योंकि मन में ये द्वंद्व चल रहा है। और इस द्वंद्व का समय राजा दशरथ खुद कहते हैं कि उनके राज्य जीवन का सबसे खराब समय है ये 4 साल, जिसमें वो ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि वचन के साथ जाऊं या हृदय कहता है उसकी बात को। वो अगर हम कहें तो हृदय और बुद्धि या माइंड और आत्मा और उसका संघर्ष उनके साथ चल रहा है। अंत में क्या होता है कि उस संघर्ष में परिणाम तक पहुंचने में दशरथ को मदद मिलती है वशिष्ठ से। एक दिन वो वशिष्ठ को बुलाते हैं और पूछते हैं आपकी क्या राय, मैं ऐसा सोचता हूं कि राम को राजा बने। वशिष्ठ कहते हैं इससे अच्छा कुछ नहीं, इससे अच्छा कुछ नहीं। वो पूछते हैं क्यों, तो ऐसा आप जितना राम को जानते हैं उससे ज्यादा मैं जानता हूं, क्योंकि आप तो राम के पिता है, मैं राम का गुरु हूं, और गुरु अपने शिष्य के बारे में शायद पिता से बेहतर विश्लेषण कर पाता है। तो वो कहते हैं कि राम को राजा बनाना ही आज के समय में सबसे अच्छा है। तो दशरथ पूछते हैं कि क्या खास बात है, तो संयोग ऐसा है कि वशिष्ठ उन सभी गुणों का वर्णन करते हैं जो एक आदर्श राजा की कल्पना हमारे परंपरा में, वो कहते हैं उसमें ये सारे गुण है इसलिए वो राजा होने के लायक है। तो वो कहते हैं कि ठीक है, मेरी भी इच्छा यही है, आपकी भी इच्छा यही है, तो अभी कुछ करना चाहिए। तब वशिष्ठ को बताते हैं कि मेरे साथ एक बड़ी विडंबना यह है कि मैंने केकई को वचन दिया है कि उसका पुत्र ही राजा बनेगा, तो अब आप मुझे इस द्वंद से बाहर निकालें। तो गुरु वशिष्ठ उनको समझाते हैं कि अगर आपने ऐसा कोई वचन दिया है तो ये रघुकुल की परंपरा के विपरीत है और आपने मर्यादा भंग किया है, तो मानते हैं चुनाव किया। तो वो कहते हैं ठीक है, आप उसका समाधान कुछ कर सकते हैं ना कर सकते हैं, तो पूरे दरबार में कह दीजिए इस बात के स्पष्टता से। तो परिषद बुलाई जाती है, संयोग से जिस समय ये परिषद बुलाई जाती है उस समय भरत और शत्रु विश्वास है, उसको कौशल्या पर विश्वास है, सुमित्रा पर विश्वास है,
राम पर थोड़ा सा है, दशरथ पर विश्वास नहीं है, राज्य के जो मंत्री है महामंत्रियों पर किसी पर विश्वास नहीं। केवल को हमेशा मन में एक ही डर है कि भरत अगर यहाँ रहेगा तो उसको रास्ते से हटाने के लिए जहर दिया जा सकता है, मरवाया जा सकता है, इसलिए वो उसको जानबूझकर महल में नहीं रखती है। ज्यादा समय वो भरत अपने नाना के पास रहता है। जिस समय ये परीक्षा बुलाई गई है तब भी वो अपने नाना के ही पास है। लेकिन दशरथ चाहते हैं कि केकई को बाहर रखकर ये किया जाए, राम को राज्याभिषेक कराया, केकई को बाहर रखकर, क्योंकि अगर केकई इसमें शामिल होगी तो ये होना संभव नहीं है, ये वो जानते हैं। तो इसलिए बिना केकई को बताए, और केकई के जो नजदीकी सूत्र है बिना उनको बताए वो ये गुरु वशिष्ठ से चर्चा करते हैं। फिर बात पता नहीं कहाँ से खुलती है, गुरु वशिष्ठ उसकी चर्चा किसी मंत्री से करते हैं और वो खुलकर मंथरा के पास पहुंचती है। मंथरा केकई को बताती है, केकई के कान में बात आती है, एकदम थमथम आ जाती है, गुस्से से आग बबूला हो जाती है और दशरथ के पास जाकर पैर पटकते हुए कहती है कि आपने मुझे वचन दिया है, और राजा दशरथ को याद दिलाती है प्राण जाए पर वचन न जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए, आपका तो कुल ऐसा है जहाँ वचन की रक्षा करने के लिए प्राण देने की परंपरा है और आप अपने वचन से ही पीछे हटते हैं। तब दशरथ बहुत क्लांत होते हैं, परेशान होते हैं, क्योंकि उनका मन कुछ कहता है और वचन उन्होंने दूसरे तरह का दे रखा है। उस ऊहापोह में फिर रामचंद्र जी के लिए वनवास होता है और भरत के लिए राज्य की घोषणा होती है। तो राज्य सिंहासन पर बैठते बैठते रामचंद्र जी का सिंहासन या उसका राज्य उनके हाथ से जाता है भरत के हाथ में। ये एक हिस्सा है कहानी का। इसी के पहले एक दूसरी बात है जो मुझे बहुत अपील करती है, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। भगवान राम जब बड़े हो रहे हैं और शिक्षा ले रहे हैं, तीर कमान चलाने की, धनुष बाण चलाने की जगह जगह जो शिक्षाएं चल रही है, कुछ घर में कुछ घर के बाहर, और गुरु वशिष्ठ के साथ उनके जो संवाद हो रहे हैं, तो गुरु वशिष्ठ उनसे कई बार पूछते हैं तुम्हारी इच्छा क्या है, क्यों बड़े हुए हैं, थोड़े देर के बाद राज्य तुम्हें संभालना है, तुम्हारी इच्छा क्या है। तो राम कह रहे हैं कि मेरा जन्म तो कुछ और काम के लिए हुआ, वो अपने जन्म की बात है, शायद जो मानवीय होते हैं उनको अपने जन्म के बारे में मालूम होता है। वो कहते हैं मेरा जन्म तो किसी और काम के लिए हुआ है, राजपाट चलाने के लिए नहीं हुआ है। वशिष्ठ से बार बार पूछते हैं तुम अपने जन्म के बारे में क्या मानते हो, तो राम कहते हैं कि मेरा जन्म हुआ है कि ये तो समाज में बहुत सारी बुराइयां फैली हुई है, कुरीतियां फैली हुई है, भ्रष्टाचार है, अनाचार है, पापकर्म बहुत है, इन सबका मैं समाधान करूं, इसके लिए मेरा जन्म हुआ है ऐसा मुझे लगता है। और वो वशिष्ठ गुरु से बार बार कहते हैं कि मेरी तीव्र इच्छा भी यही है कि मैं इसको ठीक करूं, देश की स्थिति, राज्य की स्थिति को ठीक करूं। गुरु वशिष्ठ का और राम का लंबा संवाद है कंबल रामायण, और उसमें वो बहुत सारी समस्याएं गिनाते हैं कि देखो क्या क्या समस्याएं हैं इस राज्य में। सबसे बड़ी समस्या वो ये बताते हैं, कि जो भी ऋषि लोग हैं, ऋषि माने महान लोग, सत्य आचरण करने वाले, सत्य बोलने वाले, उन सबको ऋषि माना गया। तो वो कहते हैं कि जो भी ऋषि लोग हैं कोई भी यज्ञ कर्म नहीं कर पाते, हमारे राज्य के आसपास ऐसी हालत है। अब यज्ञ कर्म की जो परिभाषा है, जो डेफिनेशन है, वो बहुत व्यापक है। उसमें एक डेफिनेशन है जो कर्म कांडी है कि हम कोई हवन करते हैं, उसमें आहुतियां डाल रहे हैं, तो यज्ञ है। लेकिन बड़ी परिभाषा जो है वो ये है कि जितने भी अच्छे काम हैं, धर्म के अनुकूल धारण करने योग्य, वो सभी यज्ञ। तो रामचंद्र जी की चिंता सबसे ज्यादा ये है कि मेरे राज्य के आसपास जितने भी ऋषि हैं वो यज्ञ कर्म नहीं कर पाते, अच्छे काम नहीं कर पाते। कारण क्या है? उनमें बहुत सारी बाधाएं हैं। बहुत सारी बाधाएं कौन है? दुष्ट प्रकृति के लोग, जिनको एक शब्द से निरूपित कर दिया गया राक्षस। राक्षस माने दुष्ट प्रकृति के लोग, खराब काम करने को प्रोत्साहन देने वाले लोग, ज्यादा से ज्यादा समाज के विरुद्ध काम करने वाले लोग, धर्म के विरुद्ध आचरण करने वाले लोग आ गए। तो ये कह रहे हैं कि जो दुष्ट प्रकृति के लोग यज्ञ कर्म नहीं करने देते हैं, इनको समाप्त करना मेरे दिल में
सबसे ज्यादा प्राथमिकता वाला होता है। और राम एक बहुत सुंदर वाक्य कहते हैं तमिल में, वो सेंटेंस वो अपने गुरु वशिष्ठ को कह रहे हैं कि हर समय मेरे दिल में आग सुलगती रहती है। ये तो आपकी दी गई शिक्षा है जो मैं अपने ऊपर नियंत्रण करके बैठा हुआ हूं, लेकिन दिल में आग सुलगती रहती है, ये वशिष्ठ को कहते हैं। और ईमानदारी से कहते कि आपने अगर मुझे आग को नियंत्रण करना नहीं सिखाया होता तो मेरे अंदर की जो आग है इसी में मैं जल गया होता। तो उनके दिल में आग लगी हुई है, समाज के अंदर जो बुराइयां फैली हुई हैं, कुरीतियां फैली हुई हैं, जो दुष्टता है, जो पापाचार है, अनाचार है, उसको समाप्त करना, ये राम की स्वाभाविक इच्छा है। और ये बार बार वो वशिष्ठ से कह चुके हैं, एक बार नहीं बार बार कह चुके हैं। इधर उनके राज्य अभिषेक की तैयारी है जिसमें केकई का अलंगा है। तो जैसे ही केकई का अलंगा लगता है और भरत को राजगद्दी मिले, राम को वनवास मिले, जब केकई अपनी इच्छा व्यक्त करती है राजा को और दशरथ उसको दुखी मन से, क्लांत मन से स्वीकार करते हैं, तो सबसे ज्यादा राम खुश होते हैं, सबसे ज्यादा खुशी उनको है और सबसे ज्यादा गुस्सा उनके छोटे भाई लक्ष्मण को है। और लक्ष्मण इतने गुस्से वाले हैं जिसका वर्णन गोस्वामी तुलसीदास भी कर चुके हैं, वाल्मीकि में भी है, कंभ राम में भी है, तीनों में एक जैसा वर्णन है, भयंकर गुस्सा है। और गुस्सा है वो तो ठीक ही है, गुस्सा राम को भी आता है, लेकिन राम और लक्ष्मण के गुस्से में जो अंतर बताया है वो ये कि राम आत्मनियंत्रण कर सकते हैं, गुस्से को पी सकते हैं, लक्ष्मण में ये कैपेसिटी नहीं है, काबिलियत नहीं, वो अपने गुस्से को व्यक्त करते हैं। और उनका गुस्सा व्यक्त होता है जब वो ये पता कराते हैं कि इसके पीछे मूल कारण कौन है, किसने ये राम के रास्ते में अड़ंगा लगाया राजा बनने से, तो पता चला मंथरा है, तो मंथरा को लिटरली मारते, सीधे पीटते और इतने बुरी तरह से पीटते हैं कि वो मरने की स्थिति में है। तब राम कहते हैं कि तुमको रवि कुल की मर्यादा का जरा भी ख्याल नहीं है, हमारे वंश में, हमारे कुल में स्त्रियों पर हाथ नहीं दिखाया जाता, कितनी ही खराब क्यों ना हो। दशरथ कहते हैं ये बहुत कुलटा है, वैसी है वैसी है, तो उनका ठीक है वो खराब से खराब हो, जहर देके हमें मारने का भी प्रयत्न करे, फिर भी तुमको तुम्हारी मर्यादा का ख्याल नहीं है, ऐसा गुस्सा अच्छा नहीं होता, तुमको तुम्हारे गुस्से पर नियंत्रण रखना होना चाहिए। तो ये घटना बताती है कि आप तो दोनों में है, लेकिन एक में बांध रखा है और एक में बांधने का गुण नहीं सीख पाया। अभी ये घटना हमारे रामचंद्र जी के चरित्र के बारे में बहुत सारे खुलासे करते हैं। पहला, उनकी स्वाभाविक इच्छा है राजा नहीं बनने, वन जाकर ऋषियों को मदद करने की। राजा की इच्छा माने दशरथ की इच्छा है उनको राजा बनाने की। श्री राम की माता की कौशल्या की तो दशरथ से भी ज्यादा तीव्र इच्छा है उनको राजा बनाने की, क्योंकि श्रीमती कौशल्या का बार बार अपमान हुआ है केकई के सामने, बार बार, और उस अपमान का कहीं कोई प्रतिकार हो सकता है। ये कौशल्या बार बार एक ही बात में कहती है कि जब मेरा बेटा राजा बनेगा तभी मेरे सारे अपमान का प्रतिकार होगा। तो उनको उस दिन की प्रतीक्षा है रामचंद्र जी के जन्म से लेकर जब मेरा बेटा राजा बनेगा और मैं मेरे सारे प्रतिकार पूरे करवाऊ, तो उनकी तो दशरथ से भी ज्यादा की अपेक्षा है अपने सम्मान को वापस लाने के लिए। शायद उनको रामचंद्र जी का राजा बनना ही एक रास्ता दिखाई देगा। कौशल्या की भी इच्छुक है, सुमित्रा की भी इच्छा है कि राम राजा बने, सारे मंत्री चाहते हैं कि राम राजा बने, महामंत्री चाहते हैं कि राम राजा बने, सबसे ज्यादा प्रजा चाहती है कि राम राजा बने। कारण क्या है, वो राम के जो 18 गुण हैं जो हर एक राजा में होने चाहिए, उनमें से एक गुण उनका सबसे अद्भुत है, वो कंभ रामायण में बहुत विस्तार से लिखा गया है कि किसी भी राजा को सुबह सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने ईश्वर की उपासना, भगवान की पूजा करके सबसे पहला काम जो करना चाहिए वो अपनी प्रजा से मिलना, अपने लोगों से मिलना, सबसे आवश्यक कर्म बताया गया है राजा के, और उसका समय तय किया हुआ है। कंभ रामायण में समय है ब्रह्म मुहूर्त से लेकर
और सूर्योदय के बीच का जो समय है, इतने समय के बीच में राजा को अपनी प्रजा के बीच में कम से कम एक चक्कर तो मार देना चाहिए। ठीक है, लोग खाने पीने को मिल रहा है कि नहीं, कोई दुख में दुखी तो नहीं है ऐसा। और रामचंद्र जी इस कार्य को अपनी उम्र के 14 साल से कर रहे हैं। जब वो 14 साल के हुए हैं और उनको थोड़ी समझ आई है, तो राजा दशरथ के प्रतिनिधि के रूप में रोज सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठना और अपने लोगों के बीच में पहुंच जाना, ये कार्य उनका नियमित रूप से चलता है। ये कार्य सिर्फ उन्हीं दिनों में बाधित होता है जब वो अयोध्या के बाहर होते किसी कारण से, जैसे कभी किसी ऋषि ने बुला लिया या अपने किसी दूसरे परिचित संबंधि के यहाँ चले गए। उन्हीं दिनों को छोड़कर बाकी सभी दिनों में उनका ये कार्य नियमित रूप से चलता है। तो जनता के बीच में सबसे ज्यादा लोकप्रिय वही है श्री राम। और दशरथ जी को बिना बताए, उनके कान तक बात ना पहुंचे, बहुत सारी समस्याओं का समाधान करते हैं, न्याय देते हैं, झगड़ों का निपटारा करते हैं। लोग दुखी हैं अगर किसी रोग से, तो उन रोगों का क्या उपाय हो सकता है, इलाज हो सकता है, वो उनको बताते हैं। ये सब वो करते हैं नियमित रूप से। और इस कार्य के बारे में सबसे ज्यादा लोग उन्हें पसंद करते हैं कि ये हमारा तो स्वाभाविक उत्तराधिकारी है। तो जब राम के राज्याभिषेक की बात है, तो जनता तो सबसे ज्यादा चाहती है कि वही राजा बने। पिता उनकी चाहते हैं, माता उनकी चाहती है, दरबारी चाहते हैं, मंत्री मंडल चाहता है, उनकी डिफेंस सर्विसेज चाहती है, सेना सब चाहते हैं कि राजा बने। राम नहीं चाहते हैं कि मैं राजा बने। उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सीता जी भी चाहती है कि राजा बने, क्योंकि उनका एक दूसरा ओपिनियन, वो ये कहती है कि अगर आप राजा बनते हैं तो मुझे आपकी अर्धांगिनी होकर बहुत सारे काम करने का जो मौका मिलेगा वो मेरे लिए ज्यादा बड़ा है। और आप जानते हैं कि इस कार्य के लिए सीता ने मातृत्व सुख से अपने को वंचित किया है, वरना स्वाभाविक रूप से कोई भी महिला का सबसे बड़ा सुख जो है मातृत्व सुख माना जाता है, लेकिन सीता ने अपने को इससे वंचित किया और राम को वंचित कराया। वो ये कहते हैं कि ये मातृत्व का सुख और पितृत्व का सुख तो हम बाद में भी ले सकते हैं, लेकिन अभी राज्य की जो समस्याएं हैं गंभीर है, इनका समाधान पहले होना चाहिए। तो वो इंतजार कर रही है कि राम राजा बने तो उनकी अर्धांगिनी के रूप में कुछ राज के काम करने का उनको भी मौका मिले, तो वो भी चाहती है कि ये राजा बने। राम नहीं चाहते कि राजा बने। तो यहाँ पर राम जी की जो इच्छा है वही पूरी होती है और बाकी सबकी इच्छाएं अधूरी रहती है। और वो खुद कहते हैं कि अगर भरत का राज्याभिषेक होता है और मुझे वन गमन मिलता है तो ये मेरी इच्छा के अनुकूल है, इसलिए मैं सहर्ष बन जाने के लिए तैयार हूँ। और इसके वर्णन बहुत विस्तार से गोस्वामी जी ने किए हैं, सभी बहुत सारे लोगों ने किए हैं कि जब वो वन गमन के लिए तैयारी कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा शांत है, सबसे ज्यादा निश्चल है, बिना किसी परेशानी के है, बहुत खुशी के साथ बन जाने को तैयार, बाकी सब दुखी है। उनकी इस घोषणा से कि मैं बन जाऊंगा अपने पिता की इच्छा की पूर्ति के लिए, वचन पूर्ति के लिए, तो सब दुखी है। राम खुश होते हैं। तो बहुत शांत भाव से जब वन गमन की तैयारी होती है तो अंत में सीता कहती है कि मैं भी चलती हूँ। तो समझाते हैं कि तुमको तो यहाँ रहकर बहुत सारे काम कर रहे हैं। नहीं नहीं, मैं वहीं जाकर कुछ काम करती हूँ, शायद हमारे लिए अब यही अभीष्ट है। तो ऐसा कहते हैं। फिर लक्ष्मण कहते हैं कि आपके बिना तो मैं यहाँ रह नहीं सकता, इसलिए मैं भी चलता हूँ। तो भाई का प्रेम और कर्तव्य भाव दोनों से लक्ष्मण भी जाते हैं, सीता भी जाती है और राम भी जाते हैं। यहाँ से उनके मर्यादा पुरुषोत्तम होने की कहानी शुरू हो जाती है। अब जब उनका वन गमन, ये अद्भुत, ये भारत की परंपरा में और पूरे इतिहास में मैं मानता हूं ऐसा दूसरा कोई प्रसंग नहीं मिलता है इसके मुकाबले जिसको रखा जाए। 14 वर्ष का उनका जो वनवास का समय है उसमें जो सबसे बड़ा काम है उनका, वो अपने देश को बांधने का है धर्म के अनुकूल। और धर्म की परिभाषा उनकी वही है जो भारत में हजारों साल से चली आई है, जिसको हम धारण कर सके वही धर्म, माने जो भी काम को हम धारण करने योग्य मानते हो वो सभी धर्म है। तो उस धर्म की स्थापना करनी है, राज्य की कुरीतियां, पापाचार, अनाचार, इनका सबको
समाप्त करना है, इसके लिए उनका वन भवन है। और वन भवन के प्रसंग में उनका इतना ज्यादा खुला है, सब कुछ इतना ओपन है, प्राइवेसी कुछ नहीं है लाइफ में, प्राइवेट लाइफ उनकी खत्म हो गई है, जो भी कुछ है वो पब्लिक लाइफ। और प्राइवेट लाइफ जब खत्म होती है और पब्लिक लाइफ जब शुरू होती है, तो उनका जीवन राज्य में रहकर और राजा के पुत्र के रूप में रहकर जितना प्राइवेट है वो भी चला है। और वहां कुछ नहीं, अब तो साधारण लोगों के बीच में रहना है और साधारण तरीके से जो वो फैसला करते हैं। सबसे बड़ा राजा दशरथ चाहते हैं कि तुम बन जाओ तो अपने साथ कुछ सुविधाएं लेके जाओ। इस राज्य में धन की कमी नहीं है और संसाधनों की कमी नहीं है, सेना की कोई कमी नहीं है, तुम लेते जाओ। राम कहते हैं नहीं, मैं जहां जा रहा हूं उनके जैसा ही रहना है, साधारण लोगों के बीच में जा रहा हूं तो साधारण लोगों की तरह से ही रहना, आर्मी अगर मेरे साथ है, राज्य के संसाधन मेरे साथ है, तो मैं तो साधारण नहीं रह सकता, और साधारण रहकर जो मुझे करना है वो बहुत आवश्यक है। फिर गुरु वशिष्ठ उनको एक दिन पूछ लेते हैं कि तुम्हारे मन में ये साधारण होने के लिए कब से शुरू हुआ? तुम तो राजा के बेटे, राजा जैसा व्यवहार। तब वो वशिष्ठ को कहते हैं कि देखो, अगर मैं राजा का बेटा राजकुमार होकर वन भवन करता, मेरे साथ सेना लेकर जाता हूँ, नौकर चाकर लेकर जाता जाता हूँ, देवदास में लेकर जाता हूँ, और ये सारी बुराइयों को दूर करता हूँ, तो इसमें कुछ भी आदर्श नहीं है। ये तो राज्य के लिए कर्तव्य जैसा है, इसमें आदर्श क्या है? मुझे आदर्श बनाना है तो वो तभी है कि जब मैं साधारण लोगों के बीच में साधारण तरीके से रहते हुए इन समस्याओं का समाधान करूं, आदर्श को तब स्थापित होगा। तो वशिष्ठ कहते हैं कि तुमको ये आदर्श की क्या चिंता है, क्यों तुम प्रस्तुत करते हो बार बार आदर्श बनाना आदर्श बनाना? तो उनका ये जो साधारण लोग होते हैं इनको हमेशा आदर्श ही दिखता है, हमको नहीं दिखता, इनको हमेशा आदर्श ही दिखता है। ये अपने जीवन में हमेशा आदर्श को देखकर ही प्रेरित होते हैं। वो हमारे संस्कृत सूत्र है, महाजना येन गता से पंथा, जिस रास्ते बड़े लोग चलते हैं उस रास्ते साधारण लोग चलने की कोशिश करते हैं। राम जी को यह मालूम है कि ये समाज के साधारण लोग हमेशा आदर्श से प्रेरित होते हैं, और अगर मैं आदर्श प्रस्तुत करूं इनके बीच में रहकर तो शायद ये जल्दी मेरी बात मानेंगे, मेरे साथ आएंगे, अपने जीवन को ठीक करेंगे और दूसरे रास्ते ठीक करते चले जाएंगे। अगर मैं राजा के रूप में आऊंगा तो ये मेरे गुलाम नौकर चाकर बनकर मेरे आदेश का तो पालन करेंगे, प्रेरणा इनको नहीं आएगी। ये बहुत बहुत गंभीर और गहरी बात है। वो ये कहते हैं मुझे इनको प्रेरित कर, किस बात के लिए? कि आज तो राम है जो आपकी समस्याओं का समाधान करता है, कल राम नहीं रहेगा तो कौन करेगा? तुम तुम्हारी समस्याओं का समाधान करने लायक बनो, ये प्रेरणा मुझे देनी है। इसके लिए मुझे इनके जैसा बनना है। मैं अगर राजा के रूप में इनके बीच में आकर रहता हूं और राक्षसों, रामचंद्र जी का यही पक्ष सबसे ज्यादा अपने जीवन में उतारा है। गांधी जी जो हर समय राम 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 कहते हैं, और कई बार गांधी जी को मजाक करते हुए अंग्रेज कहते हैं कि ये क्या राम 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 कह रहा है, तो गांधी जी उसका जवाब देते हैं और बहुत अच्छा जवाब देते हैं। माउंटबेटन को जवाब दिया है, अंग्रेजों के कई अधिकारियों को जवाब, वो कहते हैं कि ये राम 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 मैं ऐसे ही नहीं करता, रामचंद्र जी के कुछ गुण मुझमें आ जाए उसकी कोशिश करता। तो एक बार माउंटबेटन उनको पूछ रहा है कि आपने कितने गुण ले लिए रामचंद्र जी से, उन्होंने कहा एक ही ले पाया, कि लोगों को उनकी समस्याओं के समाधान के लिए प्रेरित करना ये उनका गुण है, ये एक ही मुझ में आया। और गांधी जी भी क्या कहते हैं, वो यही कहते हैं लोगों से कि देखो आजादी तुम्हें लानी है, तुम काम करो, तुम खड़े हो, अंग्रेजी की लाठी खाओ, बोली खाओ, गाली खाओ, अपमान सहो, तुम खड़े हो जाओ, मैं सत्याग्रह करूंगा लेकिन तुम नहीं करो। तो राम का ये जो गुण है, शायद मैं मानता हूं ये भारतीयता का सबसे बड़ा गुण है। भारतीयता का यही तो हमको कृष्ण में भी दिखाई देता है, कभी दोबारा कृष्ण का नाम बात करूंगा तो विस्तार में, लेकिन संकेत करता हूं आज आपसे, कृष्ण के जीवन की जो सबसे बड़ी बात मुझे समझ में आती है, बहुत अपील करती है,
उन्होंने अपने हाथ से कुछ नहीं किया, दूसरों से कराया। अपने हाथ से तो बस एक ही काम किया, जरा सत्यता बोल किया, और वो भी किसी संकल्प में बंधे होने के कारण किया, शायद वो भी नहीं करते, कोई और संकल्प नहीं होता। कुछ भी अपने हाथ से नहीं किया, अर्जुन से कराया, युधिष्ठिर से कराया, पांडवों से कराया, द्रौपदी से कराया, कौरवों से कराया, जिससे जो बन पड़ा वो करवाया, प्रेरित किया करवाया, प्रेरित किया करवाया। केमिस्ट्री में हम उसको कैटलिस्ट कहते हैं, सारी भूमिका उनकी कैटलिस्ट की है कृष्ण की। ये राम में से आई दिशा, राम ने ये स्थापित किया है एक गुण कि आप लोगों की समस्याओं का समाधान कर देंगे, जब तक आप हैं तब तक ठीक है, जब आप चले गए समस्याएं फिर आने वाली है और ये फिर किसी दूसरे का इंतजार करेंगे और इतने साल इंतजार के बाद फिर कोई मिलेगा, तब तक ये उसी दुख में पड़े रहेंगे, दर्द में पड़े रहेंगे। तो इनको सक्षम बनाना है अपनी समस्याओं के समाधान से, ये कहकर जब वो जाते हैं तो वशिष्ठ कन्विंस हो जाते हैं कि तब तुमको सेना की जरूरत नहीं है, संसाधनों की जरूरत नहीं है, तुमको किसी चीज की जरूरत नहीं है, तुम जाओ। फिर आशीर्वाद उनको मिलता है। इसमें इस जो सीख है उनकी, ये जो गुण है, ये जो उनका स्वभाव बना है राम का, इसमें बहुत बड़ी भूमिका विश्वामित्र की, वशिष्ठ की तो भूमिका है ही, क्योंकि वशिष्ठ तो उनके राज्य के गुरु जैसे हैं। विश्वामित्र ने विद्या सिखाई है राम को, ये जो बाण की विद्या है, धनुष चलाने की विद्या है, तो विश्वामित्र की सिखाई गई है। और विश्वामित्र राम को एक बहुत बड़ी सीख देते हैं जो उनके जीवन पर काम आती है। वो ये कहते हैं, देखो शास्त्रों की विद्या जितनी आवश्यक है, शास्त्रों की विद्या भी उतनी ही आवश्यक। तुमने शास्त्रों की विद्या बहुत ही रखी है वशिष्ठ, ने तुमको सब तरह से पढ़ा लिया है, वेदों का अध्ययन तुम कर चुके हो, उपनिषद तुम्हें मालूम है, वेदों का मर्म तुम जानते हो, उपनिषद तुम्हें कंठस्थ है वगैरह वगैरह, ये सब वो वशिष्ठ से सीख लिया। शास्त्र विद्या तुमको नहीं आती है, क्योंकि वशिष्ठ का उस पर पारंगत नहीं है, एक्सपर्टाइज नहीं है, वो मुझे आती है, वो भी तुमको उतनी ही गंभीरता से सीखनी है जितनी गंभीरता से शास्त्र विद्या सीखी। क्यों? तो विश्वामित्र उनको समझाते हैं कि ज्ञान को संरक्षण रखने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है, राज्य को संरक्षित और सुरक्षित रखने के लिए भी शक्ति की आवश्यकता होती है। तो वो ये कहते हैं कि शक्ति को नकार नहीं सकते, वो कहते हैं अहिंसा होना ठीक है, लेकिन ताकतवर अहिंसा, कमजोर अहिंसा होना तो कोई मजबूरी की बात है। हिंसा अहिंसा का बहुत लंबा संवाद है राम का और विश्वामित्र का। तो राम कहते हैं हम तो अहिंसा वाले हैं, हमको क्या जरूरत है बाण की, धनुष की, गदा की और ये सब। तो वो कहते हैं कि अहिंसा का पालन तो कोई ताकतवर ही करता है, कोई महावीर ही करता है, साधारण लोग अहिंसा पालन नहीं कर सकते। तब राम जी को यह समझ में आता है, तब वो तैयार होते हैं शस्त्र विद्या के, और फिर शस्त्र विद्या में उतने ही पारंगत होते हैं जितने वो शास्त्र विद्या में। और विश्वामित्र उनको जब चलते हुए कहते हैं, जब वो उनके आश्रम से जा रहे हैं, तो वो कहते हैं कि तुमको अपने जीवन के पूर्वार्ध में शस्त्र विद्या की ही आवश्यकता होगी, और तुम्हारे जीवन का जो उत्तरार्ध है उसमें शास्त्र विद्या की आवश्यकता होगी, इसलिए तुम्हें अभी आवश्यक है शस्त्र विद्या। शास्त्र विद्या का शायद उत्तरार्ध में, शायद विश्वामित्र कोई दीर्घदर्शी होंगे जिनको उनका आगे का जीवन दिखाई दे रहा है कि कैसा होने जा रहा है, रावणों से युद्ध होने वाला है, राक्षसों से युद्ध होने वाला है, तो वो कह रहे हैं शस्त्र विद्या का ही आवश्यक है। तो शस्त्र विद्या में पारंगत होके और वन गमन के लिए जाते हैं, तो वशिष्ठ कहते हैं कि अभी मुझे तुम्हारी चिंता नहीं है, क्योंकि जब तुम्हारे मन में इतनी स्पष्टता है तो अब तुमको सेना की जरूरत नहीं है, चाकरों की जरूरत नहीं है, नौकरों की जरूरत नहीं है, संसाधनों की जरूरत नहीं है, तुम जहां जाओगे वही ये सब आ जाएंगे। और वो निकल जाते हैं, और जब निकलते हैं तो सबसे ज्यादा समय उनका बीता है 14 वर्ष का भारत के साधारण लोगों के बीच में, जिनको आज की भाषा में, खराब भाषा में हम आदिवासी कहते हैं, और सरकार की तो गाली की भाषा में शेड्यूल ट्राइब्स कहते हैं या शेड्यूल कास्ट है। सरकार तो सीधी गाली ही देती है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स, ये सब गाली है। राम की भाषा में ये कहीं मिले, पूरे रामचरित मानस में
कंबल रामायण में, वाल्मीकि रामायण में मैंने ऐसा कोई शब्द नहीं देखा आदिवासी शब्द है वनवासी, क्योंकि वनों के बीच में रहते हैं। क्या आदिवासी कहां से आते हैं हमारे देश में? आदिवासी शब्द के लिए मैं बहुत कोशिश करता रहा जानने की कब से प्रयोग हो रहा है हमारे देश में। राम के जमाने में नहीं है, कृष्ण के जमाने में भी नहीं है। पता चला कि यह शब्द लगभग 200 साल पुराना है, अंग्रेजों ने इसका इस्तेमाल करना शुरू किया। और अगर हम सही मायने में देखें तो हम सभी आदिवासी हैं, जंगल में रहते हो आदिवासी वाले निरंतर रहने वाले लोग एक ही स्थान पर, वो सभी आदिवासी हैं। तो हम तो सभी आदिवासी हैं, लेकिन हमारा क्लासिफिकेशन हो गया शेड्यूल क्लास, शेड्यूल क्लास, बैकवर्ड क्लास, अपर बैकवर्ड क्लास, लोअर क्लास, पता नहीं कितने तरह के स्ट्रेटिफिकेशन, ये सब अपने आप ही है। राम जी जा रहे हैं उन लोगों के बीच में जो वन में रहते हैं, कंदराओं में रहते हैं, और उनको वो वनवासी कह के संबोधित करते हैं। और ये इज्जत का शब्द है, छोटा शब्द है। इसकी एक बार लक्ष्मण के साथ उनकी वार्ता है इस विषय पर, वनवासी शब्द। लक्ष्मण को यह शब्द पसंद नहीं आता। राम कहते हैं ये सब हमारे भाई बांधव हैं, वनवासी हैं, बस इतना ही अंतर है, हम पहलों में रहते हैं, ये वन में रहते हैं। तो लक्ष्मण कहते हैं कि ये तो कुछ कम अकल वाले दिखाई देते हैं, कम पढ़े लिखे हैं, कम बुद्धि वाले हैं, कम ऐसा ऐसा वो बोल रहे। राम थोड़ा सुनते हैं, फिर थोड़े नाराज होते हैं, कहते हैं अभी तुम सुनो ये क्या। तभी वो वर्णन करते हैं कि ये वन क्या है, बहुत लंबा वर्णन और बहुत ही अच्छा है। मैं मानता हूं कि भारत के सब छोटे बच्चों को पढ़ना चाहिए, ये वन क्या है उसकी डेफिनेशन वो दे रहे हैं। और वनों में ये जो तरह तरह के पेड़ हैं, पौधे हैं, इनकी परिभाषाएं दे रहे हैं। पेड़ पौधों पर बैठने वाली जो चिड़िया हैं, पक्षी हैं, उनकी परिभाषाएं दे रहे हैं। फिर इसमें छोटे छोटे जो कीट हैं, पतंगे हैं, उनकी परिभाषाएं दे रहे हैं। और वो लक्ष्मण को समझा रहे हैं कि ये सब है इसलिए तुम हो, तुमसे ये नहीं। अभी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की इससे बड़ी कोई डेफिनेशन दुनिया में नहीं हो सकती। ये जो सारी दुनिया में आज समस्या पैदा हुई है ना, पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण, मैं मानता हूं श्री राम जी से ज्यादा पर्यावरण को समझने वाला कोई नहीं। जब वो बात करते हैं कि देखो ये छोटे छोटे जो जीव है, कीट है, पतंगे है, उनकी संख्या बताते हैं, लक्ष्मण को गिनाते हैं और 84 लाख गिनाते। अब हमने कई बार सुना है कि 84 लाख योनियां होती हैं। वो योनियां क्या है? वो तरह तरह के जीव जंतुओं की जातियां प्रजाति है। तो ये कहते हैं कि इनमें से हर एक का महत्व है। आधा घंटे का रामचंद्र जी का व्याख्यान है लक्ष्मण को चींटियों पर, आधा घंटे का, आधा घंटे को चींटियों के गुण बताए। देखो चींटी क्या होती है, कैसी होती है, क्या करती है। वहां पढ़कर मुझे पता चला, जो बाद में मैंने कंफर्म किया तो सच है, वो ये कहते हैं कि ये अद्भुत जीव है जो कभी सोती नहीं। तो वास्तव में चींटी सोती नहीं, ये अद्भुत जीव है जो अपने लिए कुछ करती नहीं है, जो भी करती है परिवार के लिए करती है, अपने लिए कुछ नहीं करती, वो भी सही है। और ये अद्भुत जीव है जो सबसे ज्यादा संयमी है, क्योंकि जब बहुत क्राइसिस होती है तभी घर से बाहर आती है कुछ लेके जाने के लिए, नहीं तो आती ही नहीं। बचपन में मुझे याद आता है जब बहुत सारी चींटियां घर में निकलती थी और मेरी माता जी कहते थे जा आटा डाल के आ, तो जैसे आटा डाला तो होता है, मैंने उनकी जरूरत पूरी हुई थी चली जाती। और राम समझा रहे कि प्रकृति में इनका बैलेंस क्या है, अद्भुत बैलेंस है। फिर लगभग 40-45 मिनट का उनका इससे आगे का एक व्याख्यान है लक्ष्मण के लिए, वो है सफेद चींटी, व्हाइट एंड जिसको आजकल हम लोग उसे दीमक में कहते हैं। दीमक पर 45 मिनट बोला है, थीसिस की जा सकती है उससे, पीएचडी की जा सकती है। राम ने जो बोला है लक्ष्मण को, कंबल रामायण दीमक की क्या उपयोगिता है हमारे लिए? तो दीमक की एक ही ये है मन में कल्पना कि वो हमारी लकड़ी काट जाती है, हमारा नुकसान कर जाती है, हम उसको मारने की जुगड़ में हमेशा जुगाड़ में लगे रहते हैं, कभी कोई पेस्टिसाइड खरीद के लाते हैं, कभी कोई मिट्टी का तेल डाल के जलाते हैं, किसी न किसी तरह से मारते हैं। रामचंद्र जी लक्ष्मण को समझा रहे हैं कि अगर ये नहीं है तो तुम्हारा अस्तित्व नहीं है। फिर उनसे भी छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनका समझाते हैं, और बहुत लंबा संवाद है वो, कभी फिर बाद में बात।
करूंगा, पूरी एनवायरमेंटल साइंस उसमें है। लेकिन राम को ये समझ है और ये बड़ी समझ है, ये समझ जो है ना भारत में इतिहास का अगर हम किस्सा निकालना शुरू करें तो दो चार लोगों को ही ये समझ भारत में है, एक तो रामचंद्र जी को हो गई है, दूसरी महावीर को है ये समझ। जो जैन धर्म की आरती आखिरी तीर्थंकर माने जाते हैं ना, 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर, उनको ये समझ है उतनी ही है जितनी राम को है। वो शायद ऐसा रहा होगा कि 14 साल उन्होंने भी तपस्या की है, 14 साल उन्होंने भी तपस्या की, शायद ये समस्या हमसे ज्ञान आता होगा। तो ये वो समझ है, और वो बताते हैं कि देखो ये जो वनवासी है ये इन सब के साथ रहते हैं, चीटी के साथ रहते हैं, दीमक के साथ रहते हैं, मक्खी के साथ रहते हैं, मच्छर के साथ रहते हैं, और राम बताते हैं कि देखो इनमें से एक भी जीव ऐसा नहीं है जो अनुपयोगी हो और हम उसको मार सकें, एक भी इसमें ऐसा। और वो सिखा रहे हैं लक्ष्मण को कि हमारे भारत की जो अहिंसा है वो इसमें से निकली, क्योंकि एक भी जीव जब बिना काम का नहीं है तो तुम मार कैसे सकते हो, तो अहिंसा तो जाना ही पड़ेगा और तुम्हारा तो ये थोड़ा कम करना पड़ेगा। और हमेशा याद रखना मेरे साथ जब तक तुमको कोई भी जीव की हत्या ना हो पाए, ध्यान रखना चलते समय झाड़ू लगाते समय। राम हमको समझाते हैं, आप जानते हैं लक्ष्मण जो है ना उनके माने जो निजी काम है वो लक्ष्मण करते हैं, रामचंद्र जी के निजी काम क्या है जिसको भी आप रखते हैं उसमें झाड़ू लगा रहे, तो राम उनको झाड़ू बनाना सिखा रहे कि झाड़ू कैसी होनी चाहिए, तो बताते हैं आगे से खुली रहनी चाहिए, पीछे से कठोर होनी चाहिए, पकड़ने वाला हिस्सा एकदम गुथा हुआ हो और जो झाड़ू में जमीन पे स्पर्श करने वाला हिस्सा वो खुला हुआ हो ताकि कोई भी चीज उसके नीचे आए तो मर में ना पाए, बीच में से कटे, इतना माइक्रो लेवल का कटे। तो कहते हैं कि चींटी भी काम की है, मक्खी भी काम की है, मच्छर भी काम का है, उनमें एक भी बेकार नहीं है, और इतने काम के जो जीव जंतु है उनके बीच में जो रहने वाले लोग हैं वो हमसे ज्यादा अच्छे हैं, इसलिए ये मूर्ख नहीं है, ये अलग बात है कि इनके शरीर पर सपने तुमसे कुछ कम है तो वो इन्होंने समझ कर छोड़े हुए हैं, इसलिए नहीं है कि इनके पास नहीं, छोड़े हुए जरूरत नहीं है इसलिए छोड़े। फिर बहुत सारे दूसरे लोग बताते हैं और जातियों के हिसाब से बताते हैं, जैसे भील एक जाति है, भील जाति के लोगों की क्या विशेषता है, हजारों साल से किस तरह की विशेषता है। फिर कोल एक जाति है, कोल जाति की विशेषताएं बताते हैं, गोंड एक जाति है जिसके राज्य को गोंड वाला राज्य बोलते हैं, तो गोंड जाति की विशेषताएं बता रहे हैं। ऐसी अलग अलग जातियां जो वनवासियों के बीच में है उनका विस्तार से वर्णन को करते हैं और सबके गुण कर्म और स्वभाव समझा रहे हैं। देखो इन जातियों में ये गुण है, ये इनका कर्म है, ये इनका स्वभाव है, ये इनका गुण है, ये इनका कर्म है, ये इनका स्वभाव है, ये इनका गुण है, ये कर्म है, ये स्वभाव। और वो कहते हैं कि अगर तुम इनके गुण कर्म स्वभाव को समझ पाओ पढ़ पाओ तो हमारे साथ इनकी दोस्ती बहुत अच्छी बनेगी और वो बराबर के स्तर की होगी, और अगर तुम इनके गुण कर्म स्वभाव को नहीं समझोगे तो हमारे इनके बीच का जो संबंध होगा वो राजा और प्रजा का होगा, मालिक और गुलाम का होगा, वो हमारे लिए अभिष्ट है। लक्ष्मण को थोड़ी समझ आती है और फिर वो कहते हैं कि ये शास्त्र पढ़ो, ये शास्त्र पढ़ो, ये शास्त्र पढ़ो, और लक्ष्मण कहते हैं कि मेरे पास तो शास्त्र नहीं है, तो कहते हैं यहाँ जंगलों में बहुत सारे ऋषि हैं उनके पास जाकर पढ़ना शुरू करो, कोई अच्छा लगे तो मुझे भी बताना, मैं भी जाकर पढ़ूंगा, इस तरह का होता है। ये समझने की बात हमारे भारत में आज ये समझ हम में से तो चली गई है, हमारे राजाओं में से तो बिल्कुल चली गई, मतलब हमारे आज के जो नेता है जो प्रधानमंत्री बनते हैं, राष्ट्रपति बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, उनमें किसी में ये समझ नहीं है पर्यावरण क्या होता है, आदिवासी क्या होते हैं, वनवासी क्या होते हैं, उनके गुण क्या है, उनके कर्म क्या है, उनके स्वभाव क्या है। हमने तो एक ही शब्द उनके साथ चेक कर दिया है, ये सब पिछड़ा वर्ग है, तो इनका विकास करना है तो क्या करना है, अपने जैसा मूर्ख बनाना है, विकास करने से हम तो मूर्ख है ही, हमारे जैसे मूर्ख ये बने, माने अपना जंगल छोड़कर आ जाए और ये कॉन्क्रीट के जंगल में रहना शुरू कर दे, इनकी 10 मंजिले की बिल्डिंग बना रहे, पेड़ के नीचे रहते हैं, शुद्ध हवा खाते हैं, जीव जंतुओं के बीच में रहते हैं, उनके साथ सहजन का नाता रखते हैं, मौसम खत्म करके अपने जैसा बनाने में हम लगे, तो हमारी जो डेवलपमेंट है
और श्री राम जी की उसमें जमीन आसमान का अंतर लक्ष्मण को वो बता रहे हैं। अंत में कहते हैं कि देखो सबसे ज्यादा विकसित ये है, उनसे कम हम यहाँ है तो इनके जैसा बनने की कोशिश करने के लिए है क्योंकि इनके पास बहुत सारी है। तो लक्ष्मण कहते हैं इनमें एक गुण नहीं है, जब उनके ये सब समझ में आता है इनमें एक गुण नहीं है। क्या नहीं है? राम पूछते हैं इनमें वीरता की कमी है, जो तुमसे ज्यादा वीर है। और फिर उनका इतिहास होता है वीरों का, कौनों का, कौनों का, जिन्होंने हजारों साल क्या क्या युद्ध लड़े और अपने को बचा के रखा। तो लक्ष्मण कहते हैं कोई तो गुरु होगा। तो राम कहते हैं हाँ, इनमें एक ही गुरु मुझे दिखाई देता है कि ये हमेशा किसी अवतार की प्रतीक्षा में है, यही इनका एक गुरु, बाकी इनमें कोई गुरु नहीं। ये वीर है, साहसी है, स्वाभिमानी है, स्वावलंबी है, समझ बहुत है, प्रकृति की, पर्यावरण की, सब कुछ इनमें है। एक ही दुर्गुण आया है कुछ सालों में कि ये किसी अवतार की प्रतीक्षा में है, कोई अवतार आएगा भगवान का भेजा हुआ तो हमारी दशा सुधारेगा या राजी की दशा सुधारेगा। रामचंद्र जी कहते हैं कि इनके इसी दुर्गुण को समाप्त करने के लिए मैं प्रयास करता हूं और इनको ये समझाना चाहता हूं कि अवतार कोई नहीं आएगा, आएगा तो तुम्हारे बीच से आएगा, तुम अपने को ही अवतार ही मानना छोड़ दो। तो ये एक बहुत अच्छा संवाद है जिससे मिलता है। फिर आगे पढ़े इस कहानी में तो जहां भी रामचंद्र जी को किसी दुष्ट को संहार करना है या यज्ञ कर्म में बाधा पैदा करने वाले को संहार करना या अधर्मी को संहार करना है तो कभी भी अयोध्या से सेना नहीं बुलाई होगी, कितने भी बड़े संघर्षों में। रावण के साथ संघर्ष तो उनका अंतिम संघर्ष है, रावण के पहले छोटे छोटे सैकड़ों संघर्ष उनके हुए हैं दुष्ट लोगों से, पापियों से, अत्याचारियों से, अधर्मियों से, कभी भी अयोध्या की सेना नहीं बुलाई। तो लड़ा कैसे? उन्हीं लोगों की मदद से जिनके लिए लड़ना। अच्छा, उनको लड़ने के लिए तैयार करता है। तो रामचंद्र जी का जो समय है वन में रहने का वो किस तरह का है? सुबह 4 बजे उठना, 4:45 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठना, उसके बाद अपना जो इष्ट देव को पूजा आदि आदि करना, थोड़ा जो प्राणायाम जो करना, 45-50 मिनट 1 घंटे का समय खत्म करके फिर निकल जाते हैं अपने इन लोगों के बीच में उनको शस्त्र विद्या सिखाने के लिए। को सिखा रहे हैं, चूनों को सिखा रहे हैं, घोड़ों को सिखा रहे हैं। और ध्यान रखिए इनमें कोई भी ऐसे लोग नहीं है जो शास्त्रों के द्वारा पंडित घोषित किए गए हैं, जिनको बड़ा शास्त्रीय ज्ञान, साधारण लोग उनको सिखा रहे हैं शस्त्र चलाना, शस्त्रों के साथ अस्त्र चलाना। अस्त्र और शस्त्र का अंतर आप सब जानते हैं। तो अस्त्र शस्त्र चलाना सिखाना और उनका भरपूर उपयोग कैसे कर लेना है ये वो उनको सिखा रहे हैं। ये नित्य कर्म है उनका बिना किसी बाधा, रोज सुबह से 4 बजे से लेकर 6-7 बजे के बीच। उसके बाद फिर उनका दूसरा जीवन शुरू होता है, वो अध्ययन तो कर चुके हैं क्योंकि उनके गुरु हैं, अब वो अध्ययन इनको करवा रहे जितना उनको है और इनको नहीं, इस तरह का चलता है। फिर वो दोपहर का भोजन और थोड़ा विश्राम और फिर शाम को वही क्रम प्राप्त हो गया। जब ये तैयार हो गए तब लड़ाई शुरू। अच्छा, एक लक्ष्मण कहते हैं कि भैया आप तो चाहे अकेले लड़ सकते हैं, सिहार कर सकते हैं, मार भी सकते हैं, हाँ मार भी सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? सुनकर फिर वो समझ मैं जब यहां से चला गया तो ये अपनी रक्षा कैसे करेगी, इसलिए इनको तैयार करके इनसे लड़ाना है, मैं भी साथ में हूं, ये भी मेरे साथ में। तो ये तो बहुत धीरज का काम है, ये तो जल्दी नहीं होता, बहुत धीरज लगता है। किसी को ट्रेनिंग देके तैयार करना, फिर इतना तैयार करना कि युद्ध के लिए तैयार है, तो ट्रेनिंग का समय उनका बहुत बड़ा है, प्रशिक्षण उनका जीवन का सबसे बड़ा काम है। और शायद सैकड़ों हजारों हजारों ऐसे ऐसे लोग उन्होंने प्रशिक्षित किए और जहां प्रशिक्षण देके सेना बना दिया, संगठन बना दिया, जो बहुत महत्व की बात है राम के जीवन से समझने की कि जिस समाज में समस्या है उस समाज के लोगों को संगठित करके समस्या का समाधान करना है। तो समाज की
की समस्या समाधान करने के लिए संगठन बना लिया, शस्त्र को आ गए, अस्त्र आ गए, ताकतवर हो गए, स्वाभिमानी स्वावलंबी हो गए, छोड़ दिया, कहा अब तुम चलाओ मैं चलता। इसमें तो समझने की बात हो रही है कि राम चाहे तो वहां राजा बन के रहे और वो तैयार है उनको स्वागत करने, लेकिन सब कुछ करके उन्हीं के बीच में से किसी को राजा बना के उनको सब कुछ सौंप के फिर चल दिए, झोली बैठा उठा के किसी आगे। ये तो उनके जीवन में उनके स्वभाव में दिखाई देता है कि लंका जीतने के बाद खुद राजा नहीं बनते, विभीषण को राजा बना के चले आते हैं। ये उनके जीवन में शुरू से है, रावण का राज्य जीतने के बाद ही आया है ऐसा नहीं, शुरू से उनके जीवन में ये चल रहा है। जहां भी छोटे छोटे राज्य हैं, जहां भी उन्होंने कोई बड़ी जीत हासिल की है, वहां उस स्थानीय व्यक्ति को राजा बनाया, सौंप दिया, आगे चले गए, फिर किसी को राजा बनाया, सौंप दिया, फिर आगे चले गए, फिर राजा बनाया, फिर सौंप दिया, फिर आगे। दशरथ में ये गुण नहीं है, दशरथ में ये गुण नहीं। दशरथ में क्या गुण है? जिस राज्य को जीत लिया हमेशा के लिए उसको अपने राज्य में मिला के रखना है, और इसको दशरथ चक्रवर्तित्व होने के लिए आवश्यक मानते हैं। राम उससे मतभेद, राम कहते हैं कि चक्रवर्ती वो है जो राज्य बनाए और सौंप के निकल जाए। और ये समझ बहुत देर में भारत के एक राजा को आई है, अशोक, जो बौद्ध धर्म का फिर सबसे बड़ा बताओ मंदिर बना है, वो राम के बोलने से ही समझ आई। अब भारतीयता का शायद ये एक दूसरा बड़ा गुण बन गया है, राम ने स्थापित किया है, वही हमारे यहाँ भारतीयता हो गई है, ऐसा मुझे अभी समझ में आने लगा है। उन्होंने एक गुण स्थापित कर दिया ये कि जो लोग हैं समस्या जिनकी है उनको प्रेरित करना, खड़ा करना, समस्या का समाधान कराना, उन्हीं के बीच में से किसी को राजा बनाना, अपने हाथ में कुछ नहीं लेना और निकल जाना, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कोई पुराने कपड़े थे छोड़कर निकल गए, नए धारण करिए, इस तरह से चलते चलेगा। शायद योगी वही होते होंगे, मोह जरा भी ना आए, कर्म योगी शायद वही होता होगा। तो कर्म योगी होने की जो आदर्श परिभाषा है वो उन्होंने स्थापित कर दिया। मुझे उनका ये गुण बहुत अद्भुत लगता है, शायद कृष्ण में यही गुण राम से आया, जो अपने हाथ से कुछ नहीं करते हैं और राज्य स्थापित करके दूसरों को देते हैं। और फिर कृष्ण भी ये कहते हैं अपने जीवन के अंतिम दिनों में कि भारतीयता यही है, जब हम कुछ भी हासिल करें जरूरत पड़ने पर दूसरों को सौंप दें और निकल जाएं बिना किसी मोह के, भारतीयता यही है। ये जो दूसरी एक संस्कृति दुनिया में फैली हुई है जिसका जिक्र अभी थोड़ी देर पहले भारत करते गए थे, अमरीकियन और यूरोपियन, वो इसके ठीक विपरीत है। दूसरों को जीत लेना, हासिल कर लेना, फिर अपने बीच में गुलाम बना के स्वयं को नुकसान करना, वो अमरीकियन है, ये भारत। तो भारत के साथ आदर्श स्थापित करने में राम का जो अर्थ है, और वो ये जो आदर्श है इसी के चलते एक को नहीं सैकड़ों सैकड़ों छोटे छोटे राजाओं को स्वावलंबी बना के, स्वयंपूर्ण बना के वो खड़ा करते हैं, और ये खड़ा करते 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 बढ़ते चले जाते हैं, और बढ़ते बढ़ते तो लंका तक पहुंचते हैं, और लंका पहुंचकर रावण के साथ युद्ध की तैयारियां हैं। उन तैयारियों से पहले की ये जो छोटी छोटी तैयारियां हैं ये उनको बहुत मदद करती हैं, और इनको मदद करने में ये सब का बहुत बड़ा हिस्सा है। अब इसमें एक विशेष प्रसंग मैं आपको और सुनाना चाहता हूँ, उसके बाद इसको मैं खत्म करूंगा। और एक विशेष प्रसंग क्या है, मैंने आपसे मेरे व्याख्यान के शुरू में कहा था कि मैं समझना चाहता हूँ राम राज्य क्या है, वो इसी में से समझ में आया। रामचंद्र जी चले गए वन, और वन में ये सब कर रहे हैं, ये तो अब मैंने आपको बता दिया। अब एक महत्वपूर्ण घटना घटित होती है, दशरथ का स्वर्गवास होता है, वो बहुत महत्वपूर्ण घटना है। और दशरथ का स्वर्गवास होता है, उसकी खबर देने के लिए भरत राम के पास जाते हैं, और आप जानते हैं कि भरत जो है ना राम के पास दशरथ के स्वर्गवास की खबर देने के लिए ही नहीं जाते हैं, बल्कि ये संकल्प लेके जाते हैं कि मैं राम को वापस लेके आऊंगा। तो कहते हैं कि मैं शायद इतना कन्विंस नहीं कर पाया उनको वापस लाने के लिए, तो अपनी माताओं को भी साथ में लाते हैं, कौशल्या भी आती है और वो सब आती है, और वो कहते हैं कि अगर मेरे अकेले से
ऋषियों और माताओं के मानने से नहीं माने तो सब मंत्रियों को लेके चलो, मंत्रियों को बुला के, सेना के जितने सुप्रीम कमांडर है सबको लेके चलो। तो पूरी सेना लेके भरत आते रामचंद्र जी को मिले और दो बातें कहते, एक तो पिताजी का स्वर्गवास हो गया है और आप वापस चलो क्योंकि राज्य आपका है, मैं तो आपका सेवक। भरत का गुण अपनी माँ के विपरीत, केकई के विपरीत, स्वभाव के विपरीत, कर्म के विपरीत, तीनों ही अलग है, तो इस उद्देश्य से जाते हैं। अब जब राम से उनका मिलन होता है और भरत राम का सरदार है, मैं मानता हूं कि पूरी रामायण का या राम कथा का वो सबसे महत्वपूर्ण बात या सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, राम और भरत का मिलना और राम और भरत का संवाद। राम भरत का जब संवाद होता है और मिलन होता है तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण मुझे जो नजर आता है कि राम भरत को प्रश्न पूछते हैं। पहले तो लक्ष्मण ने उनको कंफ्यूज करने की कोशिश की है, राम को बताया कि देखो इतनी सेना लेके आ रहा है हमारा कहने आ, तो राम कहते हैं तुम क्यों ऐसा सोचते हो, हमारा भाई है, हम पे हमला करेगा, उनका नहीं आपको मालूम नहीं वो केकई का पुत्र है और केकई वही है जिसने आपको वनवास दिया है। तो आप कहते हैं ना केकई ने जो बहुत बड़ा एहसान किया है, जो मैं चाहता था वो करने के लिए रास्ता प्रस्तुत किया। तो भरत को सॉरी लक्ष्मण को यह सब ज्यादा समझ में नहीं आता और शायद तत्व की गहराई में वो इतना उतरते नहीं है या उतरना नहीं चाहते, तो है वो कहते आने दो और अगर लड़ना ही पड़ा तो लड़ लेंगे और हम काफी हैं। तो लक्ष्मण कहते हैं आप क्या, मैं अकेला काफी हूँ, इतनी बड़ी सेना है वो ये। उसके बाद होता क्या है कि जब ये इतनी बड़ी सेना लेके भरत आते हैं तो जो वनवासी है उनको शायद ये गलतफहमी हो जाती है कि ये राम पे हमला करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि उनको ये तो मालूम है कि राम को निकाला दिया गया है, वनवास दिया गया, भरत को गद्दी दी है, तो वनवासियों को ये गलतफहमी है कि शायद ये राम को मारने जा रहे हैं, तो वो तैयार हो जाते हैं। बीच में कई जगह हो भी जाता है, बाद में उनको समझ में आता है ये तो राम को वापस लेने के लिए जा रहे हैं, तो पूछते भी हैं कहीं जो भीम है, भीम जाति गोड़ और ये कोई जाति के लोग पूछते हैं उनके सरदार पूछते हैं कि आपको इतनी सेना लेके आने की क्या जरूरत थी, तो भरत कहते हैं कि देखो मैं राम को कन्विंस नहीं कर सकता, मना नहीं सकता, इसलिए सबको लाया हूँ, ये सब उनको कन्विंस करेंगे शायद वो वापस जाए, इसके लिए सेना। तो सेना लेके पहुंचाते हैं और राम और भरत का मिलन होता है और संवाद होता है। तो ये जो मिलन और संवाद है उसमें से वो एक घटना है उसको मैं छोड़ना चाहता हूँ, जब वो राजा दशरथ के स्वर्गवास की कहानी है। तो राजा दशरथ के स्वर्गवास की जैसे कहानी कहते हैं तो अकेले राम है जो इतने ही निश्चल और इतने ही शांत मन से उसको सुनते हैं जितने शांत मन से उन्होंने अपने वनवास की घोषणा को सुना, उतने ही शांत मन से उतने ही स्वर्गवास हो गया। और ये सब परेशान बाकी लक्ष्मण परेशान है, सीता जी परेशान है, उनका स्वर्गवास हो गया, लेकिन राम में धीरता बहुत है, खराब से खराब समाचार को सुनने का वास्ता होता है। वो जानते हैं कि उनके पिता उनको सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, अब वो नहीं है इस दुनिया में, उनके दुखद निधन का समाचार भी उतनी ही शालीनता से सुनना, शांति से सुनना, जितना अपने जीवन में सबसे खराब किसी चीज को सुनने का, तो वो सुन लेते हैं। उसके बाद वो बात नहीं खत्म होती, फिर वो बात करते हैं लक्ष्मण सॉरी रामचंद्र जी भरत से संवाद करते हैं, और वो संवाद जो है ना सबसे अच्छी तरीके से, थोड़ा तो वाल्मीकि में है और ज्यादा तो कंबल रामायण में है। विस्तार से संवाद क्या है, रामचंद्र जी उनसे प्रश्न पूछ रहे हैं, भरत से प्रश्न पूछ रहे हैं और प्रश्न ऐसे पूछ रहे हैं जिनको समझने की हम कोशिश करें तो समझ में आ जाता है रामराज जी क्या है, सारे प्रश्न उस तरह। अब वो प्रश्न पूछ रहे हैं, उनकी संख्या लगभग 56 56 प्रश्न उन्होंने पूछे, 56 प्रश्न भरत जी को पूछे हैं राम, और एक से एक अद्भुत प्रश्न जो रामराज जी को समझने में हमको काफी कुछ मदद करता है। रामराज जी क्या है उन प्रश्नों से समझ जाना है। सबसे पहला प्रश्न पूछते हैं भरत, क्या तुम अपने गुरुओं का वैसे ही आदर करते हो जैसे मैं करता था, मेरे चले आने के बाद क्या तुम अपने गुरु का वैसे ही आदर करते हो जैसे मैं करता था। गुरु कौन, वशिष्ठ, और वशिष्ठ के समकक्ष बहुत
तो भरत उस प्रश्न को सुनकर उत्तर दे देते हैं कि हाँ करता हूँ। राम क्यों पूछते हैं क्या उतना है कितना मैं, तो भरत पूछते आप इसको इतना जोर क्यों दे और गुरु को ही क्यों कहें और किसी का क्यों नहीं कहते, माँ का क्यों नहीं पूछते, माँ का आदर करते हो कि नहीं, पिता का करते हो कि नहीं, भाइयों का करते हो कि नहीं, या हमारे मंत्रियों का करते हो कि नहीं, अधिकारियों का करते हो कि नहीं, वगैरह 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 वगैरह। तो राम उत्तर देते हैं, वो कहते हैं देखो गुरु और बाकी जितने भी तुमने नाम किए संबंधों में ये सब एक दूसरे से बहुत अच्छे दिखते हैं, सुंदर लगते हैं, शब्द अच्छे हैं, लेकिन तुलना नहीं है। गुरु बिल्कुल अलग है और ये बिल्कुल अलग, क्या अंतर है भरत सरकार। तो कहते हैं देखो यही एक ऐसा व्यक्ति है गुरु जो बिना ईर्ष्या और द्वेष के सलाह देता है, बिना राग और द्वेष के सलाह देता है, बिना स्वार्थ के सलाह देता है। यही एक है गुरु जो कभी स्वार्थी नहीं होता, ईर्ष्यालु नहीं होता, राग द्वेष नहीं पड़ता, किसी कामना के वशीभूत होकर नहीं कहता। यही है, इसलिए इसकी वैल्यू माने इसके बारे में सबसे अच्छे होने की मेरे मन में जो है वो मैं सुनना चाहता हूँ उनका। हाँ मैं वैसा ही करता हूँ, गुरुओं को बहुत सम्मान देता हूँ। तो मैं मानता हूँ राम राज्य माने क्या, जहाँ गुरुओं को सबसे अधिक आदर और सम्मान दे, क्योंकि वो हमारे प्रति ना कोई राग ना कोई द्वेष ना कोई इच्छा ना कोई अपेक्षा, बिना इसके हमको सलाह दे रहे हैं ऐसा करो ऐसा मत करो ऐसा करो ऐसा मत करो ऐसा। तो वो कहते हाँ ऐसा होता है, तो राम थोड़े संतुष्ट होते हैं, हाँ ठीक है इसका मैंने राज्य तुम्हारा कुछ ठीक दिशा में। दूसरा प्रश्न, 56 प्रश्न, दूसरा प्रश्न, क्या तुम्हारे राज्य में जनता धन धान्य से भरपूर है, लोगों को किसी तरह का कोई भौतिक दैविक और दैहिक दुख तो नहीं, माने गरीबी तो नहीं है, बेरोजगारी तो नहीं है, भूखमरी तो नहीं है, अकाल तो नहीं पड़ रहा है, अतिवृष्टि तो नहीं हो रही है, अनावृष्टि तो नहीं हो रही है, ये सारे प्रश्न एक साथ ही पूछे, क्या तुम्हारे राज्य में ऐसा है, क्या तुम इसके लिए कुछ करते हो। तो भरत कहते हैं ये आपकी कृपा से, ईश्वर की कृपा से, आपके आशीर्वाद से हमारे राज्य में अभी कोई भूखा नहीं है, कोई गरीब नहीं है, कोई बेरोजगार नहीं है, जितनी आवश्यकता पानी की है उतनी बारिश होती है और बारिश का पानी हम संजो कर रखते हैं, वाटर मैनेजमेंट जो आज की भाषा में कहें, हमको अगर 12 साल भी अकाल पड़ जाए तो हमने पानी की व्यवस्था करके रखी हुई है, भूगर्भ जल की भी व्यवस्था है और एक तरह का सरफेस वाटर और एक ग्राउंड वाटर दोनों की व्यवस्था हमने करके रखी हुई है। विस्तार से बताते राम थोड़े और ज्यादा आश्वस्त होते हैं, उनके हाँ तुम्हारा कहना चाहिए। तीसरा प्रश्न करते हैं कि क्या तुम्हारे सारे मंत्री और अधिकारी नॉन करप्ट हैं, अभ्रष्ट हैं, भ्रष्टाचारी नहीं है, तुम ये कह सकते हो। तो थोड़ी देर वो सोचते हैं फिर कहते हैं हाँ हमारे सभी मंत्री और अधिकारी कुछ भी भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है। फिर वो पूछते हैं कि भ्रष्टाचार कितने तरह के होते हैं, राम को पूछते तो 16 तरह के भ्रष्टाचार के नाम, 16 तरह के भ्रष्टाचार, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 दुर्भाग्य से हमारे भारत में इस समय तो 16 राम पूछ रहे हैं तुम्हारे मंत्री तुम्हारे अधिकारी इस तरह के भ्रष्टाचार से मुक्त हैं। तो दशरथ कहते हैं हाँ मुक्त हैं, तो थोड़े और आश्वस्त हैं। 14 प्रश्न पूछते हैं क्या तुम्हारा रेवेन्यू कलेक्शन, आप ध्यान देना इस बात, रेवेन्यू कलेक्शन माने टैक्स कलेक्शन, क्या तुम्हारा कर संग्रह खर्चे से ज्यादा है, माने रेवेन्यू कलेक्शन सरप्लस है, डेफिसिट तो नहीं है। तो भरत कहते हैं हाँ रेवेन्यू कलेक्शन सरप्लस है। तो भरत पूछते हैं आप ये क्यों पूछ रहे रेवेन्यू कलेक्शन, वो कहते हैं कि अगर तुम्हारा कर संग्रह कर खर्चे से ज्यादा है, जिसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं, अगर रेवेन्यू इनकम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से ज्यादा है तभी राज्य को समृद्धशाली बना सकते हो। अगर तुम्हारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू कलेक्शन से ज्यादा हो गया माने कलेक्शन का खर्चा ज्यादा है तब तो राज्य को कर्क में डालोगे,
और तुमको कर्ज लेकर आगे चलाना पड़ेगा, और कर्ज चलाकर तो कोई राज्य सुखी नहीं होता है। तो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि हमें कर्ज लेने की आवश्यकता तो नहीं पड़ती, तुम्हारे राज्य में कर्ज तो नहीं लिया जाता। तो भरत कहते हैं अभी तक तो नहीं लिया जाता, तो ध्यान रखना आगे नहीं लिया जाएगा। क्या है, राम राज्य में रेवेन्यू कलेक्शन एक्सपेंडिचर से हमेशा ज्यादा होगा, माने राम राज्य में कर्ज नहीं लिया जाएगा। भारत में आज की परिस्थिति में 18 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लिया जा चुका है आजादी से पिछले 60 साल, और 30 राज्य है, 300 राज्यों में ले लिया है। एक भी इस देश में ग्राम पंचायत ऐसी नहीं है जो कर्जदार ना हो, एक भी नगर पालिका ऐसी नहीं है जो कर्जदार ना हो, एक भी केंद्र सरकार ऐसी नहीं है जो कर्जदार ना हो। राम ये महत्वपूर्ण बात पूछ रहे हैं भरत से कि क्या तुम्हारा रेवेन्यू कलेक्शन एक्सपेंडिचर से जाता है, अर्थात कर्ज का जरूरत तो नहीं पड़ती है। तो भरत कह रहे हैं हाँ बिल्कुल जरूरत है। चौथी महत्वपूर्ण बात पूछ रहे हैं, क्या तुम्हारे राज्य की सेना सब तुम्हारे आदेश का पालन करती है, सेना के अधिकारी तुम्हारे साथ आदेश को मानने के लिए प्रेरित होते हैं, तुम्हारे व्यक्तित्व में तुम्हारी सेना के सेनाधिकारियों को प्रेरित किया हुआ है? तो भरत कहते हैं हाँ कि मेरे सभी सेनाधिकारी मेरे से प्रेरित हैं और मैं जैसा कहता हूं वैसा करने के लिए तैयार है। तो राम कहते हैं हाँ ठीक है, तुम्हारा राज्य सही दिशा में है। आगे एक और प्रश्न प्रश्न पूछते हैं, क्या तुमने अपने राज्य में न्याय की स्थापना की है? न्याय की स्थापना से मतलब भरत पूछ रहे तो कह रहे हैं कि दुष्टों को दंड और सज्जनों को प्रोत्साहन तुम्हारे राज्य में मिलता है? तो भरत कहते हैं हाँ, आपकी ही नीति पर मैं चलता हूँ, जितने भी दुष्ट हैं उनको मैं दंड देता हूँ और सज्जनों को स्थापित करता हूँ। न्याय तो यही है, राम कहते हैं न्याय तो यही है, दुष्टों को दंड मिले सज्जनों को प्रोत्साहन मिले। लेकिन राम फिर उसमें एक सब्सिडियरी क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या तुम्हारे राज्य में दुष्टों को खुले आम दंड दिया जाता है या नहीं? लेकिन मान लिया तो लेकिन और दंड को खुले आम मिलना चाहिए, लेकिन मान लिया से ऐसा करते हो जैसे चोर है, उसने चोरी किया उसको दंड लोगों के सामने मिलता है, कोई ठग है ठगी किया उसका दंड लोगों के सामने होता है, कोई बलात्कार नहीं है उसने बलात्कार किया लोगों के सामने उसको दंड दिया जाता है, लेकिन मानवीयता से ऐसा तुम करते हो? तो भरत कहते हैं हाँ करता हूं, अर्थात राम राज्य में दुष्टों को दंड लोगों के सामने होना, क्यों होना? ताकि दूसरे लोग दुष्टता करने से बचे, ये राम राज्य की नीति। अभी जो होता है दंड किसी जेल की कोठरी में होता है, कोई देख भी नहीं सकता कि अंग्रेजों की क्या व्यवस्था है। राम की व्यवस्था में दुष्टों को दंड खुले में होना चाहिए, लेकिन मानवीयता माने उसके मनुष्य होने का ध्यान रखते हुए उसको दंड को, लेकिन खुले आम सरे आम हम बहुत बुराई करें अरब देशों की, लेकिन अरब देशों में राम राज्य की नीति है, वहां दुष्टों को दंड खुले आम मिलता है। कोई भी अरब देश में जाइए, बहरे सुबह सुमान सही कर मीरा, वहां अगर किसी ने चोरी की है तो भरे चौराहे पर हाथ काटते हैं, बलात्कार किया है तो भरे चौराहे पर पत्थर मार के हत्या करते हैं, अगर चोरी की है बलात्कार किया कोई बड़ा गुनाह किया है भीड़ भरे लोगों के सामने ये वो करते हैं। राम राज्य का पालन शायद कुछ अंशों में वो करते हैं, हम तो नहीं करते। हमारे यहाँ तो होता है मुकदमा भी बंद कमरों में चलता है, दंड भी बंद कमरों में दिया जाता है, काल कोठरी का दंड, ये अंग्रेजी नीति है, राम नीति नहीं है, राम राज्य की नीति है। अगला और एक इंटरेस्टिंग प्रश्न वो करते हैं कि तुम सुबह जल्दी उठते हो, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हो, आप कहेंगे ये तो पूछने लायक प्रश्न है, लेकिन राम पूछ रहे हैं भरत
तुम सुबह जल्दी उठते हो, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हो, हाँ उठता हूँ, फिर लोगों से मिलने जाते हो, घर जाता हूँ, तब तुम राजा होने के लायक हो। अब उसके पहले नहीं कहा कि तुम राजा होने के लायक। जब भरत ने यह आश्वासन दे दिया कि मैं सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठता हूँ और रोज अपनी प्रजा के बीच में वैसे ही मिलने जाता हूँ जैसे आप मिलते थे, तो हाँ ठीक है, अभी तुम राजा होने के लायक। रात्रि शयन जल्दी करते हो तो आप जल्दी करते हो तो भी सुबह जल्दी उठ पाओगे, रात में 12 बजे तक जगोगे तो सुबह उठने का सवाल ही नहीं। तो रात्रि शयन और सुबह उठना ये भी प्रश्न पूछ लिया। फिर आगे वो पूछते हैं कि तुम्हारे मंत्रिमंडल के जो मंत्री है उनके साथ तुम कोई भी चर्चा करो, योजना बनाओ, तो उसका क्रियान्वयन कितनी देर में होता है? प्लानिंग हो गया, 5 ईयर प्लानिंग कर लिया, 10 ईयर प्लानिंग कर लिया, 20 ईयर प्लानिंग कर लिया, इंप्लीमेंटेशन कब स्टार्ट हुआ? वो ये कह रहे हैं कि योजना बनाना तो ठीक है, उसका पालन कब से शुरू होता है? अगर तत्काल शुरू होता है तो तुम राजा होने लायक हो, नहीं होता है तो तुम्हारे गुण को सुधारो। गुरुगुण माने आपने योजना बनाई कोई भी विकास की, वो योजना बनने के तुरंत बाद अगर उसका पालन शुरू होता है तब तो वो राम राज्य है, नहीं होता है तो नहीं है राम राज्य। भारत में आज क्या होता है, योजनाएं 50 साल पहले बन चुकी है, पालन उनका आज तक नहीं होता है, फाइलों में बंद है, 10 मिनट में पड़ी हुई है, तो राम राज्य नहीं है। फिर आगे पूछते हैं कि जब तुम्हारे मंत्रिमंडल की बैठक होती है, उस मंत्रिमंडल की बैठक में कोई मंत्री ऐसे तो नहीं है जो तुम्हें गुमराह करते और तुमने उनको मंत्री बना के रखा हो? तो भरत कहते हैं हाँ, ऐसा तो कोई मंत्री नहीं है। तो कहते कड़ी नजर रखो, अगर कोई मंत्री तुम्हारे मंत्रिमंडल का तुम्हें गुमराह करता है तो उसको एक क्षण भी उस पद पर नहीं रखना है, हटा कर दूसरे को रखना है, एक क्षण भी उसको नहीं रखना। ये उनकी सीख है राम की लक्ष्मण भरत को, और वो कहते हैं कि ये बहुत आवश्यक है। गुमराह करने वाले मंत्री अगर तुम्हारे बीच में है तो तुमको गलत रास्ते लेके जाएंगे। अब भरत उनसे एक सवाल पूछ रहे हैं कि कैसे पता करूं कि वो गुमराह कर रहे हैं या नहीं? तो राम उसका बहुत सुंदर जवाब देते हैं, अपने गुरु से पूछा, अगर गुरु कहे कि ये ठीक है तो गुमराह नहीं किया, और गुरु कहे गलत है तो तुमको गुमराह किया गया। गुरु ही है जो निस्वार्थ भाव से तुमको सलाह देगा, इसलिए गुरु का आदर सबसे आवश्यक है। फिर राम आगे उनसे एक पूछते हैं कि तुम कोई भी योजना बनाते समय अपने विचार, अपने मंत्रिमंडल के विचार इनको प्रमुखता देते हो या लोगों के विचारों की प्रमुखता? तुमको लग रहा है ये योजना बहुत अच्छी है और लोग कहते हैं ये बिल्कुल अच्छी नहीं है, तो क्या करते हो? लोगों की विचार के साथ जाते हो या तुम अपने विचारों के साथ रहते हो? तो भरत कहते हैं मैं तो लोगों के विचार के साथ जाता हूं। तो कहते हैं कि फिर तुम ठीक रास्ते पर हो, डेमोक्रेसी तो यही है। सरकार कहती है कि विदेशी कंपनियों को आना चाहिए राजस्थान में, हर मंडी में उनको छूट होनी चाहिए, किसान कहते हैं जी नहीं होनी चाहिए, सरकार अपने पर पड़ी हुई है कि हम ये करके ही मानेंगे, और रामचंद्र जी का नाम लेते रहते हैं, रामचंद्र जी की नीति तो ये नहीं, राम की नीति है लोगों के विचार को प्रमुखता, अपने विचार को दूसरा, पहला विचार लोगों का, लोग क्या मानते हैं, लोग कहते हैं ठीक है तो करो, नहीं मानते तो। अभी भरत उसमें आगे प्रश्न करते हैं, अगर एक आदमी कहे तो हाँ, मंत्री से ज्यादा आदमी, मंत्री कुछ कहता है तुम्हारे राज्य का एक व्यक्ति भी उसके विपरीत कुछ कहता है तो वो व्यक्ति जो कह रहा है वो रह चुका है, क्यों? क्योंकि वो तुमको कर देता है, टैक्स देता है, मंत्री टैक्स नहीं देता है, मंत्री जो तुम्हारे खजाने से लेता है, वो नागरिक है वो तुमको टैक्स देता है,
जो नागरिक के टैक्स देने से तुम्हारा राज्य चलता है, इसलिए एक नागरिक का विचार भी तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। शायद यही एक बात जो राम के मन में है वो उनके जीवन के उत्तरार्ध में हमें दिखाई देती है, जब एक कपड़े को धोने वाला धोबी सीता के बारे में कुछ कहता है तो वो परीक्षा के लिए निकालते हैं। राम के ऊपर लांछन लगाने वाले कुछ लोग कहते हैं कि वो स्त्रियों के विरोधी थे क्योंकि सीता को घर से निकाल दिया, और ये किस्सा तब है जब वो अयोध्या वापस आ गए हैं और किसी ने कह दिया है सीता के बारे में पता नहीं कितने दिन रावण के यहाँ रही है और क्या कह दिया। तो एक व्यक्ति के कहने पर सीता को घर से निकाल देना, ये उस गुण के कारण है जब वो भरत को कह रहे हैं कि एक व्यक्ति भी कुछ कहता है वो महत्व कारण क्योंकि वो टैक्स पेयर है। अर्थात राम राज्य में टैक्स पेयर को सबसे ज्यादा ऊंचाई है, और मैं नहीं मानता कि इससे बड़ी डेमोक्रेसी कोई हो सकती है। जहां टैक्स पेयर सबसे ऊंचा है, मंत्री और राजा उससे नीचा है। यही शायद लोकतंत्र रहा होगा। राम राज्य शायद किसी को गांधी जी किसी की कल्पना बार बार कर राम राज्य होना चाहिए, राम राज्य होना चाहिए। फिर एक और बहुत अच्छा सवाल मैं पूछ रहे हैं भरत से कि तुम्हारा अपना जीवन में व्यक्तिगत समय कितना है और सार्वजनिक समय कितना है। तो भरत इसका उत्तर नहीं देते, वो पूछते हैं बताइए क्या होना चाहिए पहले। तो रामचंद्र जी कहते हैं कि जीवन का एक चौथाई हिस्सा निजी और तीन चौथाई सार्वजनिक होना चाहिए। है तुम्हारा एक चौथाई मान छह घंटे, छह घंटे तुम्हारा अपना है और बाकी 18 घंटे जनता का। तुम्हारा ऐसा है 18 घंटे काम करते हो लोगों के लिए, सीधी सी बात, 6 घंटे अपने लिए 18 घंटे जनता के। तो भरत कहता है कि मैं कोशिश करूंगा, तो ठीक है जल्दी से करो, ये बोलते हैं। फिर उसके बाद उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वो पूछ रहे हैं कि तुम्हारी जो सेना है उसमें जो बहादुर सैनिक और बहादुर जो सेनापति है, वो बहादुर सैनिक और सेनापति जब भी कोई अच्छा काम करते हैं तुम उन्हें पुरस्कार देते हो या नहीं। जब भी कुछ अच्छा काम करते धर्म के आचरण के संस्कृति के परंपरा के किसी काम को अगर वो करें तो तुम उनको पुरस्कार करते हो क्या। तो भरत कहते हाँ करता। तो कहते ठीक है, इसका मतलब अच्छा काम करने वाले जो सैनिक अधिकारी हैं या राज्य अधिकारी हैं उनको हमेशा पुरस्कृत करते रहना, उनको सम्मानित करते रहना, ये राम राज्य। फिर एक आगे प्रश्न पूछ रहे हैं वो कि सेना के सैनिकों का और सेना के काम आने वाले घोड़े हाथियों का भोजन व्यवस्था पर्याप्त है, संपूर्ण है, बराबर है, सैनिकों को बराबर मिल रहा है खाने पीने को, घोड़ों हाथियों को बराबर मिल रहा है खाने पीने को, कमी तो नहीं आ रही है। तो भरत कह रहे हैं मतलब आप जरा देखिए कितने माइक्रो लेवल के क्वेश्चंस हैं, कितने छोटे छोटे प्रश्न कि सब सैनिकों को बराबर मिल रहा है, हाँ मिल रहा है, सेना के हाथियों को घोड़ों को मिल रहा है, हाँ मिल रहा है। तो आगे इससे भी ज्यादा पूछते हैं कि सभी सैनिक तुम्हारे राज्य से खुश हैं, प्रसन्न हैं, तुम्हारी नीतियों से सहमत हैं, तुमको कोई दुख तो नहीं है, व्यक्तिगत दुख तो नहीं है, कहीं कोई परेशानी तो उनको नहीं है, और तुम उसके लिए कुछ समय निकालते हो कि नहीं। तो भरत कहते हैं हाँ मैं कोशिश करता हूं। तो कहते हैं कि अगर सैनिक तुम्हारे खुश है और सेना तुम्हारी तुम्हारे ऊपर श्रद्धा रखती है तो कोई दुश्मन तुम्हें पराजित नहीं कर सकता, इसलिए उनकी वेलबींग होना बहुत आवश्यक। आगे एक और प्रश्न पूछते हैं कि जब तुम मीटिंग करते हो तुम्हारी कैबिनेट की, कैबिनेट शब्द मैंने जोड़ दिया, उसमें तो मंत्री परिषद, मंत्री परिषद की जब तुम मीटिंग करते हो तो उसमें कोई ऐसा फैसला जो गुप्त रखने योग्य है वो लीक तो नहीं होता। अगर लीक होता है तो तुमको मंत्री परिषद बदलनी पड़ेगी, और लीक नहीं होता तो ठीक है, कोई भी बात जो तुम्हें लगती है सीक्रेट है वो सीक्रेट रहती है या तुरंत बाहर आ जाती है। वो कहते हैं हाँ रहती है। अभी क्या होता है कैबिनेट की मीटिंग में कोई भी फैसला हो अखबार वालों को पट से एक ऑफ द रिकॉर्ड ब्रीफिंग
करते हैं सभी मिनिस्टर्स, नाम नहीं बताएंगे, ऑफ द रिकॉर्ड भरत को पूछ रहे हैं क्या तुम्हारे यहाँ सीक्रेसी मेंटेन होती है, भरत कहते हैं हाँ होती है। फिर आगे पूछ रहे हैं लोगों की सुरक्षा का क्या, लोग सुरक्षित हैं तुम्हारे नाते दुश्मन से, आंतरिक दुश्मनों से, बाहरी हमले से, तो भरत कहते हैं हाँ सुरक्षित है। फिर पूछते हैं तुम्हारे राज्य में अगर कोई नया व्यक्ति बाहर से आता है तो उस पर तुम्हें नजर रहती है कि नहीं, कोई भी बाहर से आया, व्यापार करने आया है, ज्ञान देने आया है, सेवा करने आया है, लेकिन उस पर तुम्हारी नजर है कि नहीं, तुमको मालूम है कि नहीं कौन व्यक्ति तुम्हारे राज्य में आ गया, तुम्हारे गुप्तचर तुम्हें वो बताते हैं कि नहीं। तो भरत कह रहे हैं हाँ, कभी बताते हैं कभी नहीं बताते। तो कहते हैं तुम्हारी गुप्तचर व्यवस्था ठीक करो। क्यों पूछ रहे हैं बाहर से आने वाले हर अजनबी पर इतनी नजर क्यों रखना, तुमको मालूम नहीं है कैसा है, जब वो रहेगा तब पता चलेगा उसके स्वभाव का, उसके गुण का, उसके कर्म का, अभी तो आया है तुरंत पता नहीं चलेगा। फिर उसके बाद वो पूछ रहे हैं कि क्या तुम्हारे राज्य में चापलूस लोग तुम्हें हमेशा घेरे रहते हैं, जो विपट स्वार्थी है, जिनको सिर्फ अपना स्वार्थ दिखाई देता है वही तुम्हारे आसपास रहते हैं, अगर रहते हैं तो ठीक नहीं है, नहीं रहते हैं तो अच्छा। तो भरत कहते हैं हाँ चापलूस लोग नहीं, कहते फिर ठीक है आने भी नहीं देता, चापलूसों की कोई बात कभी सुनना नहीं। फिर वो कहते हैं कि क्या तुम्हारे राज्य में ऐसे ब्राह्मणों की संख्या तो नहीं बढ़ गई है जो सिर्फ पैसे के लिए करते हैं, पैसे के लिए ही सब करते, पैसे के लिए राम की कथा कहना, पैसे के लिए कृष्ण की कथा कहना, 50 लाख में राम कथा कहना, 75 लाख में कृष्ण की कथा कहना, ऐसे लोग तो नहीं बढ़ गए, अगर बढ़ गए हैं तो अंकुश लगाओ आज के समय में। मैं आपको चाहूं तो नाम गिना सकता हूं जो राम कथा कह देगा 25 लाख, 50 लाख, 75 लाख, 1 करोड़, एयर कंडीशनर कार, एयर कंडीशनर घर, एयर कंडीशनर होने जाए, इसके बिना राम की कथा नहीं करते। और रामचंद्र जी के वनवास का इतना दारुण दृश्य प्रस्तुत करते हैं कि आप रो गए और वो एयर कंडीशन हॉल में बैठ गए। राम खुद कह रहे हैं कि क्या तुम्हारे राज्य में ऐसे ब्राह्मणों की संख्या तो नहीं बढ़ गई है जो सब कुछ पैसे के लिए करते हैं, अगर बढ़ गई है तो तुरंत उस पर काबू करना, नहीं तो राज्य हस्ताक्षर में जाएगा। फिर वो प्रश्न पूछ रहे हैं कि तुम्हारे राज्य के जो गुप्तचर जो तुम्हें सूचनाएं लाते हैं बाहर से, उनमें कोई विदेशी तो नहीं है। तो भरत पूछते हैं विदेशी होने का मतलब जिसका जन्म तुम्हारे राज्य के बाहर हुआ हो, ऐसा कोई गुप्तचर तो नहीं है? दोहरा हो सकता है, हम तो बाहर के जन्म लिए हुए उनको प्रधानमंत्री बनाने को तैयार हैं, पर डेमोक्रेसी के नाम पर। रामचंद्र जी कह रहे हैं कि बाहर के राज्य में जन्म लिया हुआ व्यक्ति दूत बनने के लायक भी नहीं है, प्रधानमंत्री बनना तो बहुत दूर की बात है, राष्ट्रपति होना तो उससे भी आगे की बात है, वो तो दूत बनने के लायक नहीं है जो तुमको संदेश लाके दे, क्योंकि उसकी निष्ठा कभी भी बदलेगी तो धोखा होगा। इसलिए तुम्हारे अपने जो दूतों की व्यवस्था है उसमें कोई विदेशी मूल का तो नहीं, सीधा सा प्रश्न ही है। तो भरत कहते हैं नहीं है। तो राम कहते मुझे शक है कि है जो तुम्हारे राज्य से पैदा नहीं हुए। तो भरत कहते हैं मैं समझ गया आप किन की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो बात यह है कि भरत के राज्य में कुछ ऐसे लोग हैं जो केकई के राज्य से आए हैं, हाँ, और भरत ने उनको मुख्य स्थान दे रखा है, मंत्रिमंडल में ले रखा है। केकई का कोई भतीजा है, योद्धावर के उसका नाम है, उसको ले रखा है। तो इशारा राम का होता है कि दूसरे राज्य का है, जन्म तुम्हारे लिया, तुम्हारे यहाँ मंत्री बनकर बैठा है, कब निष्ठा बदले की मालूम नहीं। तो भरत समझ जाते, कहते हैं मैं भी जाते ही व्यवस्था ठीक करता हूं।
मैंने राम का इंस्ट्रक्शन बिल्कुल क्लियर है कि दूसरे राज्य में पैदा हुआ व्यक्ति तुम्हारा अतिथि बनकर रहे तो ठीक है, तुम्हारे मंत्रिमंडल में नहीं आना चाहिए, तुम्हारे दूत के रूप में नहीं आना चाहिए, मैसेंजर के रूप में नहीं आना चाहिए। अब हमारे यहाँ क्या है, डेमोक्रेसी के नाम पर सब धन धान फसेरी, सब दान जो है ना फसेरी, कोई भी आ जाए, विदेशी राष्ट्रपति हो जाए, प्रधानमंत्री हो जाए, और हम उसको लिबरलाइजेशन मानते हैं। राम से ज्यादा लिबरल कौन हुआ दुनिया, वो खुद कहते हैं कि ये हो नहीं सकता, अगर है तो तुरंत चेंज करो, लक्ष्मण चेंज कर, मैं करते हैं कि मैं बदल जाऊ। फिर उसके बाद एक और महत्व की बात कहते हैं राम, जो आज के समय में बिल्कुल लागू होते हैं, हम उसको समझना चाहें तो इससे समझते हैं। वो ये कहते हैं कि तुम्हारे राज्य में मुद्रा स्फीति तो नहीं, इन्फ्लेशन जिसको हम कहें तो महंगाई तो नहीं, महंगाई तो नहीं बढ़ रही, अगर बढ़ रही है तो काबू में करो, और नहीं बढ़ रही है तो ठीक है। तो भरत पूछते हैं, ये बहुत डिटेल में है कमल राम, भरत पूछते हैं कि अगर मुद्रा स्फीति बढ़े तो क्या करो, तो कहते हैं कि उत्पादन की व्यवस्था सुधारो, क्योंकि उत्पादन कम होता है तो मुद्रास्फीति बढ़ती है, करेंसी का चलन ज्यादा होगा, प्रोडक्टिविटी कम होगी तो मुद्रास्फीति बढ़ेगी, तो चीजें तुम्हारे हाथ से निकल जाएंगी, इसलिए उसको कंट्रोल करके रखना है। मुद्रास्फीति तो नहीं बढ़ रही है, अगर बढ़ रही है तो कंट्रोल, माने महंगाई तो नहीं बढ़ रही है, बढ़ रही है तो काबू में रखो, माने महंगाई बहुत बड़ा अभिशाप है राम राज्य के लिए, राम राज्य में महंगाई नहीं होनी चाहिए। फिर वो कहते हैं कि तुम्हारे जो अधीनस्थ हैं, छोटे या बड़े, सबको पगार तनखा समय से मिलती है, ऐसा तो नहीं है कि एक तारीख का दिन निश्चित है और 20 तारीख को तनखा मिले या दो महीने बाद मिले या 3 महीने बाद मिले, सबकी पगार समय से मिलती है, अगर मिलती है तो विद्रोह नहीं होगा, नहीं मिलती तो व्यवस्था में विद्रोह होगा, राज्य चलाना मुश्किल हो जाएगा। फिर रामचंद्र जी पूछते हैं कि तुम अतिथियों का स्वागत करते हो अपने राज्य में, अतिथि देवो भव की हमारी जो रघुकुल की परंपरा है उसका निर्वहन करते हो, तो भरत कहते हैं हाँ। फिर वो पूछते हैं कि तुम्हारे राज्य के जो बुजुर्ग हैं, बूढ़े और बच्चे, उनके प्रति तुम्हारा रवैया कैसा, जवान है वो तो छोड़ो, जो बुजुर्ग हैं और जो बच्चे हैं उनके प्रति तुम्हारा व्यवहार कैसा है, उनको अतिरिक्त स्नेह की, प्रेम की, करुणा की जरूरत है, क्या मिलता है। तो भरत कहते हैं हाँ मिलता है, ऐसा ही मिलता है जैसे तुम पिताजी को देते थे। एक और प्रश्न, दशरथ को जिस तरह से तुम स्नेह करते थे, प्रेम देते थे, ऐसा राज्य के सभी बुजुर्गों को प्रेम और स्नेह मिलता है राज्य की तरफ से, अगर मिलता है तो राज्य ठीक है, नहीं मिलता है तो ठीक करो। माने वहां दृष्टि है राम कि जो बुजुर्ग हैं